हॉस्टिंग के क्या ऐप में देखा क्या तुमने? तुमने ठीक से देखा क्या? ऐप खोलो, दिखाओ मुझे, दिखाओ इधर। हमारा बैच कौन सा है? फेस टू फेस? दूसरे बैच में कुछ तो गया होगा। हेलो हेलो, चलो लेट्स स्टार्ट, गेट सीटेड पब्लिक। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। वी हैव डिस्कस ऑल कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग ईसॉप अकाउंटिंग। वी डिड वन क्वेश्चन ऑल्सो यस्टरडे, दैट क्वेश्चन डिड नॉट इन्वॉल्व अकाउंटिंग एंट्रीज, इट वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वाईफाई क्यों नहीं चालू? हाँ नहीं रहा। So today now we have to solve questions which involve accounting entries also. You have to be extremely careful when the cost which is already recorded is to be reversed. Just a second. Ho kya raha hai? Reconnection. Online public, can you hear me? Chat disconnected. Please wait while we reconnect you. Can you hear me online? Yes, okay. Okay, okay. Just a sec then. यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा यार इसमें? हाँ कहीं दिशा तो सही है। फोन पे भी नहीं आ रहा है क्या? फोन पे भी नहीं आ रहा है? चालू है क्या? हाँ पर रिसेट किया तो ये भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना। ठीक है चलो, लेट इट बी इनफ, वी हैव वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम, क्विकली लिसन अप। कल हमने नवंबर एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व किया था मेरे हिसाब से, अब मैं मई 22 का पेपर भी सॉल्व कर लेता हूं, उसमें रहेगा तो अच्छा रहेगा तो ही करता हूं, टाइम पास रहा तो छोड़ देते। ये पेपर आपके क्लास बुक में प्रिंटेड है? कहां पर प्रिंटेड रहेगा तुम, तुम्हारा ढूंढ लो। क्वेश्चन 6E, कल हमने 6C किया था, आज हम 6E कर रहे हैं। ओ मेरा चार्जर भी रह गया उधर नीचे। मई 2022 एग्जाम, मई 22 एग्जाम देखो, 6E 5 मार्क का है।
सी इसके पहले वाले एग्जाम्स में देखोगे यही क्वेश्चन 10 मार्क को आते थे। अभी थोड़ा इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आ गया कोविड की वजह से। ऑन द 1st of April 2021, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेट। ऑन 1st of April 2021 कंपनी ऑफर्ड 100 शेयर्स टू ईच ऑफ 5000 एम्प्लॉइज। सो 100 ऑप्शंस फॉर 1 एम्प्लॉई, टोटल हाउ मेनी ऑप्शंस हैव वी गिवन? 5000 एम्प्लॉइज मल्टीप्लाइड बाय 100, 5 लाख। 5000 इंटू 100 इज इक्वल टू 5 लाख। हैव यू अंडरस्टूड दैट? What is 5 lakh? Number of options. इतने options तुमने grant किए, समझा करे? These many options are granted by you. तो हम क्या करेंगे, इतने options पे अपना cost कितना आएगा वो estimate करेंगे, और estimate वाला जो cost है उसको P&L को debit कर लेंगे हम। Debit to profit and loss account will depend on what? Estimate. है ना? Can estimate undergo the change on year on year basis? Yes. At 50 per share. What is 50? Bolo. Strike. 50 is a strike price. Do you understand 50 is a strike price? The employees are given a year to accept the offer. What is it? Exercise period. After the options get vested, we are giving 1 year to the employee to accept or to reject. Shares issued under the plan shall be subject to lock-in for 3 years. Lock-in does not affect our accounting, but it does affect the price of a share or a price of option. It affects the price of share, because of which it affects the price of a option. Ab bolenge kyun sir? Common sense lagao na yaar. शेयर्स अगर लॉक्ड इन है, तुम्हारे पास लिक्विडिटी नहीं है। किसके पास लिक्विडिटी नहीं है? एम्प्लॉय के पास लिक्विडिटी नहीं है ना, वो शेयर इमीडिएटली बेच सकता है क्या? तो क्या होगा, वो उन शेयर्स की कीमत कम रहेगी। अगर शेयर की कीमत कम हो गई तो ऑप्शन की कीमत भी कम हो जाएगी ना। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन द ग्रांट डेट इज 60। आ गए अपनी औकात के ऊपर। कल के क्वेश्चन में अच्छे से ऑप्शन का वैल्यू दिया था, बट वो एग्जामिनर अच्छा रहेगा जिसने क्वेश्चन सेट किया, वो मेरे जैसे पढ़ा होगा। आज आ गए हम 60 रुपीज पर शेयर। किसका प्राइस दे रहे? शेयर का प्राइस। ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग कंडीशंस ऑन ट्रांसफर द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इश्यूड इज एस्टिमेटेड टू बी 56। खाली हम आती, हमने लॉक इन की वजह से शेयर की प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। कितने हो गए शेयर की प्राइस? 56। और स्ट्राइक प्राइस कितनी है? 50। तो बोला बच्चा, तो शेयर का प्राइस कितना है? 56। स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शन 50। 56 रुपए का शेयर तुमको 50 रुपए में मिल रहा है, तो 6 रुपया क्या है? कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन और अ फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। आगे लिख, वो भी लिख के दिया, उतना माइनस करने को भी नहीं बोला। No stress. Fair value of option is 6 rupees. On 31st March 22, 4000 employees accepted the offer. 31st March 22 कहां से आए रे? एक साल के बाद। अच्छा, vesting period was 1 year only. तो वो दिया नहीं था vesting. Lock in is 3 years. Vesting period कहां पे लिखा है? अच्छा, given a year to accept the offer. Oh my goodness, this is There is no वेस्टिंग पीरियड। आज हमने ऑप्शन ग्रांट कर दिया, आज ही वेस्ट हो गया। ठीक है ना, आज हमने ग्रांट कर लिया, आज ही वेस्ट हो गया। हमने सिर्फ एक साल दिया, किसके लिए? एक्सरसाइज। सो देखो हेडलाइन, आवर बिलेवर्ड इंस्टीट्यूट X, difference between the price of a share and a strike price as a cost of option. Our beloved institute,
एक्स डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखा तुमने, डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ अ शेयर एंड स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शन. स्ट्राइक प्राइस शेयर का नहीं रहता, प्राइस ऑफ अ शेयर एंड अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शन एज एज कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन, एज कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन पेड 50 रुपीज. ठीक है, 4000 एम्प्लॉइज ने ऑप्शन एक्सरसाइज किए. बच्चों इधर कॉस्ट बुक करके रिवर्स करने का जरूरत नहीं, दिस इज अ थर्ड क्लास क्वेश्चन. वाई डायरेक्टली बुक करना है, सब कुछ एक ही साल में हुआ. 1 अप्रैल 21 को हमने ऑप्शन ग्रांट कर लिया, 1 अप्रैल 21 को ही वेस्ट हो गया वो. हमने सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए एक साल दिया, 5000 ग्रांट करके वेस्ट हुए थे, उसमें से एक्सरसाइज कितने हो गए, 4000. सो शड आई बुक द कॉस्ट ऑफ 5000 और शड आई बुक द कॉस्ट ऑफ 4000? 4000 के कॉस्ट बुक कर लेंगे हम. अब समझा, पांचवा को ठीक है, ये टू एक ही एंट्री है, तो दो में हम स्प्लिट कर लेंगे. कैसे, 4000 का कॉस्ट बुक करना है ना, हम पहले हिसाब आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रिएट करेंगे. तो फर्स्ट वी बुक अ कॉस्ट, वी क्रिएट अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी नहीं, वी क्रिएट अ रिजर्व. वी बुक अ कॉस्ट एंड वी क्रिएट अ करस्पॉन्डिंग रिजर्व एंड देन वी इश्यू शेयर्स. पहला जो एंट्री है वो एक्चुअली मल्टीपल ईयर्स पर होना चाहिए. लाइक कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, ईयर 1, 2, 3 वेस्टिंग पीरियड, 4 नहीं था, ईयर 3 था. तो वेस्टिंग पीरियड लॉजिकली शुड हैव बीन मोर देन द 1 ईयर, बट यहां पर नहीं है. यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्री विद अ नरेशन एज वुड अपियर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. चलो इधर ही लिखता हूं मैं, तुम तुम्हारे नोटबुक में लिखो. क्या लिखा तुमने, क्या लिखा तुमने, क्वेश्चन 6A May 2022, 6E May 22. समझा गया रे, 6E. चलो डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट. विल आई राइट कॉस्ट ऑफ 5000 फर्स्ट एंड देन रिवर्स अ कॉस्ट ऑफ 1000? नो, एवरीथिंग हैपन इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, सो देर इज नो नीड टू रिवर्स. एवरीथिंग हैपन इन दी सेम ईयर, है ना. कैन आई स्टार्ट? 31 मार्च 22 बोलो क्या करेंगे हम. एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन कॉस्ट, ईसीसी, यू कैन नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म, आई कैन. एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन कॉस्ट पूरा लिखना है. एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट. कितने ऑप्शंस करे बच्चों, 4000 नहीं कर दो, 4000 एम्प्लॉइज इंटू 100 ऑप्शन पर एम्प्लॉय इंटू 6 पर ऑप्शन. इसमें करता हूं मैं पर ऑप्शन, बोलो 4000 एम्प्लॉइज है इंटू 100, समझा गया, 24 लाख. तो 24 लाख क्या किया रहे मैंने, पहले मेरी कॉस्ट बुक कर ली, आई बुक द कॉस्ट ऑफ 24 लाख एंड देन व्हाट विल आई डू. तो इस ऑफ आउटस्टैंडिंग, तो इस ऑफ आउटस्टैंडिंग हाउ मच, 24 लाख. आई होप यू अंडरस्टूड 24 लाख. एनी वन इज अ डाउट ऑन दिस? थैंक यू. ओ नरेशन लिखो, बीइंग कॉस्ट रिकॉर्डेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑप्शंस ग्रांटेड टू द एम्प्लॉइज, बीइंग कॉस्ट रिकॉर्डेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑप्शंस ग्रांटेड टू द एम्प्लॉइज. अंडरस्टूड? गुड. अरे कभी फर्स्ट बेंच पे बैठा था जिंदगी में? तू बेटा होगा ना कभी, तो स्कूल में जब तो अकेले रहेगा तब. नेक्स्ट,
31 मार्च 22 को हमने कॉस्ट बुक कर ली, तो हम क्या करेंगे 31 मार्च 22 को ही एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 31 मार्च 22 को ही खत्म हो रहा है। ग्रांट कब किए थे? 1 अप्रैल 21 को। वेस्ट कब हो गए? उसी दिन। क्यों? कंडीशन ही नहीं कुछ। तो तुमको कितना पैसा मिलेगा बैंक में? 50 रुपया आएगा, 4000 × 100 100 वाट ऑप्शंस पर एम्प्लॉय इंटू 50 पर ऑप्शन कितना आता है? 20 लाख। खा माती खा, मतलब इधर 6 रुपए से मल्टीप्लाई किया तब 24 लाख था, अब मैं 50 रुपए से मल्टीप्लाई करना है तो 24 लाख का 20 लाख हो गया। मतलब इस ये कोर्स करने वाले लोग हैं ना, इनको जीरो भी नहीं समझता। कौन तेरे 20 लाख डिफरेंस उतने कितना है रे? 2 करोड़। बैंक अकाउंट अभी 2 करोड़ कंसिडरेशन कैश में आया। अभी किसका एंट्री कर रहे हैं हम? शेयर इशू का। पहले हम क्या करते हैं? वी बुक द कॉस्ट एंड वी क्रिएट अ रिस्पेक्टिव रिजर्व, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट 2 करोड़, देयर आफ्टर इसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, इसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट कितना है? 24 लाख। इसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 24 लाख। क्यों रे? जो नॉन कैश कंसिडरेशन था ना, उसको हमने यहां पे बुक कर लिया। नॉन कैश कितना था अपना? 24 लाख। वो हमने ऑलरेडी बुक कर लिया ना कॉस्ट करके। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स दिए तुमने? 4000 × 100 फेस वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में? दिया ना? कुछ नहीं दिया तो 10 रुपीज अज्यूम करने का, उतना अजम्पशन में अभी तुम एक्सपर्टाइज तुमको आना चाहिए। व्हेन यू आर स्टार्टेड डूइंग अ सीए कोर्स यू शुड गेट दैट एक्सपर्टाइज। टेल मी द आंसर। 40 लाख। हैव यू अंडरस्टूड 40 लाख? क्या है ये? इक्विटी शेयर कैपिटल टू व्हाट? डिफरेंस इज सिक्योरिटीज 4000 × 100 × 46। बोलो 1 करोड़ 80 बींग शेयर्स इश्यूड अंडर इसॉप एग्रीमेंट। हाँ, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी क्या क्वेश्चन? अरे वही तो बोलो ना, पहले 15 ये दो एंट्री तो कर, उनको क्या पहले दिन ही खत्म करना चाहिए था। ब्लैक स्कोल्स वगैरह यूज करो, अपने पास ही रखो, दुनिया को छोड़ दो, माँ बाप को घर पे बताओ अगर उनको फाइनेंस समझता है तो। हाँ मतलब वो डेरिवेटिव वगैरह खेलता है, किसी का माँ बाप डेरिवेटिव खेलता है? खेलता है किसी का? एक माँ बाप डेरिवेटिव खेलता है क्या? नहीं, एफडी खेलता है? एफडी, एफडी वाले कितने इधर? एफडी LIC हाथ वर्क करो। एफडी LIC का पॉपुलरिटी बहुत बड़ा है। गुड, इट्स ओके, सेफ, दे आर एंजॉयिंग। हाँ कम किया ना तुम तो? कम, मैं भी उनमें से, मेरे को भी FD LIC है। FD नहीं मेरे पास, LIC बरबर के FD, वो नॉमिनल FD 10,000 रुपए का, दैट इज फॉर बैंक लॉकर, दे मैंडेटेड कि मैं रेंट नहीं दूंगा तो क्या होगा। सो लॉकर का चाबी मेरा 4 साल से गायब हो गया, लॉकर में कुछ भी नहीं है। तो जाने दो। गोल्ड, आई हेट गोल्ड, आई डोंट थिंक आई हैव बॉट अ गोल्ड इन माय लाइफ सो फार। आई हैव नॉट बॉट गोल्ड, आई हैव नॉट बॉट एनी FD और LIC, नथिंग अदर देन इक्विटी शेयर्स, आई डोंट नथिंग इन लाइफ। बॉन्ड्स ऑल्सो समटाइम्स, बट बॉन्ड्स नॉट दैट हाई। देयर विल बी गुड टाइम टू बाय बॉन्ड्स समवेयर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023। Once the interest rates peak out मतलब अभी आपको इंग्लिश समझना चाहिए, ये एक प्रॉब्लम है। कल एक बच्चा आया बाहर क्लासेस, FM क्लास, सर ये सारे टर्म्स मेरे को बाउंसर गए। मैं बोला तेरे को बर्बाद किया था बाकी टीचर ने, तो उधर ही जाके बैठ, इधर मत आ। अब इनका विजन ही नहीं क्रिएट किया था, मैं क्या करूं? मैं नहीं सिखा सकता तेरे को। फॉर आई कैनॉट रिड्यूस बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑफ द कोर्स आर क्वाइट, कोर्स छोड़ दो, ICI छोड़ दो, बट वर्ल्ड इज रूथल, ब्रूटल, डेंजरस। You need to understand, peak out, बच्चों को ये नहीं हो, क्या हो गया पीक आउट मतलब क्या?
इंटरेस्ट रेट पीक आउट मतलब अभी हाई हो गया, पीक हो गया, इट्स सच अ बेसिक. वंस इंटरेस्ट रेट पीक आउट इन द यूनाइटेड स्टेट्स समवेयर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 व्हेन द साइंस ऑफ रिसेशन विल बी विजिबल इन द यूएस, बॉन्ड्स विल गिव यू डिसेंट रिटर्न. मतलब आई कैनॉट से बॉन्ड विल गिव यू मोर देन इक्विटी, दैट कैनॉट बी सेड, बट बॉन्ड से नॉर्मली जो आपका परसेप्शन रहता है कि फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करके 7-8% मिलता है, डिबेंचर्स या एफडी में इन्वेस्ट करके आपको कितना मिलता है, 7-8% मिलता है ना, वही 7-8 कम से कम 14-15 पे जाएगा, बेयर मिनिमम 14-15 पे जाएगा. कैसे? ग्रुप वन अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का चैप्टर. अब तुम मेरे से नहीं सीखे होगे, वो तुम किधर से सीखे हो तुम मालूम ही नहीं रहेगा क्या है. और ये 1930s में लिख के रखा है, आज का नहीं है. क्या नाम था बंदे का? बर्टन मालकाई. मालकाइल का एक थियरम था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में कैसे प्राइसेस चेंज होते हैं बॉन्ड के, वो मैंने एक्सप्लेन पक्का किया होगा. तो है, जाने दो, नहीं समझा तो भी चलता, दिक्कत नहीं है. एफएम में सिखाऊंगा ये कॉन्सेप्ट, एफएम के अंदर आएगा तब बोलूंगा मैं. अब मुझे एग्जाम के दो क्वेश्चन हो गए रिसेंट एग्जाम के. अब चलो अपने क्लास बुक के अंदर क्वेश्चन से, कुछ 10 questions है. अब चैप्टर का नंबर क्या है रे? B1 अकाउंटिंग फॉर ESOP. ये अपना क्लास बुक है, ये मैं शेयर करता हूं तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप पे. सो जस्ट लिसन अप. इट शुड बी देयर ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप. होमवर्क करना है आज इसके ऊपर, बहुत सारे होमवर्क्स आएंगे आज, तो इसको खत्म कर लूंगा मैं. सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना, जो रिपीटेशन क्वेश्चन है या जो बहुत ही बेसिक है ना, वो तुम सॉल्व कर सकते हो. जहां पर सी दैट इज वेयर यू विल लर्न टू इम्प्रोवाइज. कुछ कुछ क्वेश्चंस इतने इतने बकवास है ना, नहीं मेरा मन ही नहीं कर रहा है सॉल्व करने का. अच्छा वाले करूं तो एक मीडियम साइज का करता हूं अच्छे के. पहले क्वेश्चन P2 देखो. एबीसी लिमिटेड ग्रांट्स, एबीसी लिमिटेड ग्रांट्स 1000 employee stock options on 1st of April 2004 at 40. What is 40? 40 is strike price. 40 is a strike price. When market price is rupees 160. Market price 160 hai. Strike price kitna hai? 40. वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 years. वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 years एंड मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 year आफ्टर द वेस्टिंग पीरियड इज ओवर. ठीक है. स्ट्राइक प्राइस कितना है बच्चों? 40. शेयर का प्राइस कितना है? 160. मतलब टू गुड, मतलब सी ए कोर्स के साथ. तो अपना ऑप्शन का कॉस्ट कितना बन गया बच्चा? 120. भाड़ में जाए बाकी सब कुछ. हमारे एग्जाम में वो कल का क्वेश्चन देख के मैं एक्चुअली शॉक हुआ था. नवंबर 22, मतलब अपना देश थोड़ा थोड़ा बदल रहा है. नवंबर 22 का क्वेश्चन अच्छा था. उसमें क्या किया था उन्होंने? डायरेक्ट वैल्यू ऑफ ऑप्शन दिया था, ऐसा डिफरेंस करके नहीं लिया था. अभी हम ये डिफरेंस ले रहे. हमारे क्वेश्चन में स्ट्राइक प्राइस हमेशा शेयर के प्राइस से कम रहेगी. वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 years. बच्चों This 2.5 years is a tenure, but ये कौन से अकाउंटिंग पीरियड में आता है वो देखना पड़ेगा आपको. 2.5 years है अकाउंटिंग पीरियड, इट कैन बी स्प्रेड ओवर 3 years. 2.5, हाउ इट कैन बी स्प्रेड ओवर 3? अरे 2.5 years स्टार्टेड इफ इन द मंथ ऑफ लेट से फेब्रुआरी मार्च, वो एक ईयर हो गया. देन मार्च टू अप्रैल, ऐसा जाके इट कैन बी स्प्रेड ओवर 3 accounting years. आई होप ये 2.5 कौन सा ईयर है? कैलेंडर ईयर.
यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, ये एग्जैक्ट 2.5 पे मैच होगा क्योंकि ईयर के बिगिनिंग में मेजॉरिटी ऑफ द सीए एग्जाम क्वेश्चंस विल स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द मंथ. आग लगता था इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में, वो मंथ के बिगिनिंग में या ईयर एंड में ऐसा परफेक्ट आग लगा देते हम. मैक्सिमम प्राइस एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर, आफ्टर वेस्टिंग पीरियड इज ओवर. 300 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स, वेस्ट ही नहीं हुए. 600 ऑप्शंस आर एक्सरसाइज, 100 वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स. फर्स्ट जर्नल एंट्रीज, आई विल कम डाउन टू जर्नल एंट्रीज आफ्टरवर्ड्स. पहले क्या करना है, फनल समझना है. नहीं समझा ना फनल? हाउ मेनी अंडरस्टूड फनल? इंग्लिश इंग्लिश. अब जिन्होंने हाथ ऊपर किया उसमें मेरे को डाउट लग रहा है थोड़े थोड़े. हाँ बोलो. गुड, अंडरस्टूड. स्ट्रक्चर विच लुक्स लाइक दिस, सो सिंपल, देर इज नथिंग ग्रेट. ऐसा नहीं होता, इट इज बिगर एट द टॉप. इट्स ओके, मेरा गलती हो गया. हिंदी वर्ड बोलो भाई. कूपी, कूपी दैट इज मराठी वर्ड. अच्छा, आई अंडरस्टूड इट आफ्टर ऑलमोस्ट 20 इयर्स. व्हाट इज इट हिंदी? कूपी, कूपी. तो कूपी समझ लेते हैं. ओके, ये कूपी मतलब क्या है बच्चों? देखो, 3 वर्ड्स देखो. ग्रांटेड, ऐसा करो चलो. ग्रांटेड, वेस्टेड, एक्सरसाइज. ये ऐसा नहीं करने का बोला मैंने. इट कैन नॉट इंक्रीज, तुम्हारा टमी नहीं है. इट विल कम डाउन. कैन ऑप्शंस एक्सरसाइज बी मोर देन द ग्रांटेड? कौन यस बोला रहे अभी? एक्सरसाइज कैनॉट बी मोर देन द ग्रांटेड, वेस्टेड कैनॉट बी मोर देन ग्रांटेड. तो चलो ऑप्शंस ग्रांटेड. ग्रांटेड कितने रहे? 1000 एम्प्लॉइज इन टू पर एम्प्लॉय कितना दिया था? जो कुछ भी नहीं लिखा है. 1000 ही है. ग्रांटेड इज 1000, एम्प्लॉइज नहीं है, 1000. सो ठीक है, ग्रांटेड. कब ग्रांट किए रहे? 1 अप्रैल 2004 को. ऑप्शंस वेस्टेड बाय 2.5 इयर्स, मतलब 2004, 5, 5, 6 और 6, 7 में से 30 सितंबर 2006. समझा क्या? बाय 30 सितंबर 2006. हाउ मनी? 600 ना रे? वेस्टेड का किधर तो लिखा था ना. 600 ऑप्शन सर. नहीं रे, 300 अनवेस्टेड ऑप्शंस. तो वेस्टेड आर 700. अब बोले 700 कहां से लाया तुमने? 300 अनवेस्टेड, मतलब 1000 में से 300 माइनस करना, 700 वेस्ट हो गए. ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड बाय 31st मार्च 2007. क्यों? 6 महीने दिए थे ना, कितने हुए एक्सरसाइज? 600, 600 एक्सरसाइज हुए. देखो, अच्छा 1 ईयर है क्या एक्सरसाइज के लिए? ओ, एक्सरसाइज के लिए 1 ईयर है. 30 जून. दिक्कत क्या है मालूम है? कुछ एक्सरसाइज 6-7 में हुआ होगा, कुछ एक्सरसाइज 7-8 में हुआ होगा. ब्रेकअप दिया ही नहीं. हाउ मच इज एक्सरसाइज इन 6-7 एंड हाउ मच इज एक्सरसाइज इन 7-8 इज नॉट गिवन. व्हाई? व्हाट इज द मोटो ऑफ द सीए एग्जाम्स? ब्यूटी इन एम्बिग्यूटी, दैट्स अ मोटो. सो वी विल नॉट क्लियरली रिवील एग्जैक्टली हाउ मच इज
options exercised in which year? 6-7, and how much is exercised in what? 7-8. Do you agree? Chalo. Ye kitna time hai? 2.5 years. And what's this? 1 year. अब कुछ नहीं दिया तो हम अज्यूम करेंगे ऑल ऑप्शंस आर एक्सरसाइज बाय द ऑन द लास्ट डेट ऑफ एक्सरसाइज पीरियड. व्हाट इज द लास्ट डेट? 1 year. 1 year. व्हाट इज द लास्ट डेट बोलो ऑफ एक्सरसाइज? 30 June 2007. हेडलाइन लिखो. इफ एग्जामिनर डजंट गिव पीरियड ऑफ एक्सरसाइज, If examiner does not give period of exercise, क्या मिस्टेक है? अच्छा 30 क्वेश्चन में 30 जून लिखा है. 1 year is actually 30 सितंबर होता है, बट क्वेश्चन में 30 ठीक है ना, 30 जून ना, एक साल था. एक साल में से 9 महीने में ही उन लोगों ने क्या कर लिया? एक्सरसाइज कर लिया. इट्स ओके ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार. हेडलाइन लिख. लॉजिकली 1 year शुड हैव एंडेड ऑन 30 सितंबर 2007, बट क्वेश्चन में 30 जून प्रिंट किया. देखो ना, 30 सितंबर इज अ मैक्सिमम, बट ऑल एक्सरसाइज हैज हैपेंड बाय 30 जून. It's okay. Date doesn't matter. Headline likh tum. If examiner does not give you what? Period of exercise. Then we assume period of exercise to be 1 year. 1 year अलाउड था कब तक? 30 सितंबर तक. 30 सितंबर तक वो एक्सरसाइज कितने के उन्होंने? 600. तो बच्चों यहां पे दिक्कत देखो अभी क्या है. नाउ द ब्यूटी पार्ट इज हियर अकाउंटिंग वाइज. जब ऑप्शंस तुमने ग्रांट किए शुरुआत में, कितने किए? 1000. आपको कॉस्ट बुक करनी है. वो कॉस्ट में 1000 की बुक करूं या 600 की बुक करूं? 1000. सच में जाके 600 ही एक्सरसाइज हुए, लेकिन ये 600 है ये मेरे को पता बाद में चला. लॉजिकली एग्जामिनर शुड हैव गिवन यू व्हाट वाज द एस्टीमेट ऑफ ऑप्शंस likely to be exercised. Sasura, देखो question में estimate दिया ही नहीं. Sasura has not given a estimate of what? Options that are likely to be exercised by what? By the end, मतलब end of the first year. First year में तुमने grant 1000 किए थे, लेकिन exercise कितने होने वाले हैं? नहीं दिया. हम अज्यूम करेंगे पूरे के पूरे एक्सरसाइज हो जाएंगे, उसके हिसाब से हम कॉस्ट बुक कर लेंगे 1000 के हिसाब से. फिर ईयर टू में भी 1000 के हिसाब से कॉस्ट बुक कर लेंगे, और फिर जाके हम क्या कर लेंगे? कॉस्ट को रिवर्स कर लेंगे. क्यों रिवर्स करेंगे? क्योंकि एक्चुअल में जाके 1000 एक्सरसाइज. चलो जर्नल एंट्रीज डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट. आज पूरा का पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट बुक क्लास बुक में से दोनों में से खत्म करना है तुमको पढ़ के. आईसीए का मॉड्यूल भी खत्म करना है, उसमें कुछ मिलेगा नहीं नया, बट एक बार गो थ्रू करने के साथ फॉर्मेलिटी देखने का, ऐसा 2 मिनट के लिए लेने का, ऐसे ऐसा करने का हो गया. नेक्स्ट हाउ क्वेश्चंस, यू शुड गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन दी ICS study material. If they are similar, obviously you should skip. Don't waste the time. First April, नहीं, पहला year कब होता है? 31st March 2005.
31 मार्च 2005 को क्या हो गया बच्चों, पहला साल एंड हो गया ना, तो पहले साल की कॉस्ट बुक कर लेंगे हम, तब बुक कर लेंगे 31 मार्च 2005 को एंट्री क्या होगा रे, एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन कॉस्ट। तो जल्दी एंड एवरीवन मस्ट बी सीटेड बाय 2 o'clock, आज का लास्ट डे मैंने अलाउड किया, मतलब अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट, यू नीड टू बी सीटेड बिफोर 2 o'clock, खाना कम खाओ। एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू ESOP outstanding account. Oh, there is no need of any working note because asam estimates are not changing. कल मैंने एक working note बना के दिया था तुमको, क्या बोला था मैंने, ये core principle था, point number 5. Debit to P&L is cumulative expense by the end of the year minus cumulative expense at the end of the previous year. हाँ ना, क्यों कल के example में estimate change हो रहा था strike price का, मेरे हिसाब से स्ट्राइक प्राइस के एस्टिमेट की वजह से कॉस्ट जो है वो चेंज हो रही थी, आज ऐसा कुछ हो रहा है क्या, क्यों नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है यार। ESOP आउटस्टैंडिंग कितने ऑप्शंस है, 1000 ऑप्शंस, 1000 ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट कितनी रहे, 120 पर ऑप्शन, ये आपकी कॉस्ट है, लेकिन ये कॉस्ट एक साल की है क्या, नहीं, दिस इज अ कॉस्ट टू बी स्प्रेड ओवर वेस्टिंग पीरियड टू एन डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1, व्हाई मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज फर्स्ट ईयर नहीं है, एक ईयर का कॉस्ट है ना, मैं वो क्यूमुलेटिव वाला फॉर्मूला लगा ही नहीं रहा हूं, वो लगा के भी आंसर वही आएगा। एक साल का कॉस्ट कितना, ढाई साल का 120, तो एक साल का कितना इन 2000, 48,000, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड 48,000, ये क्या है रे तुम्हारा, एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन कॉस्ट है ना, दिस इज एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन कॉस्ट, आर यू क्लियर, पीएनएल को ट्रांसफर करो 31 मार्च 2005, पीएनएल अकाउंट डेबिट, ओ वो पिछले क्वेश्चन में भी मैं वो एंट्री पास नहीं किया, वो था ना एक, यू शुड ट्रांसफर टू पीएनएल, इसके लिए भी मार्क्स रहते हैं सीए कोर्स में, दीज आर नॉट ब्रेनी थिंग्स, दीज आर टंट थिंग्स, रियल लाइफ में देर इज नो नीड टू पास दिस एंट्रीज, वाई देर इज अ सॉफ्टवेयर, वेन यू ओपन अ लेजर अकाउंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इटसेल्फ यू टेल टू द सॉफ्टवेयर दिस इज अ एक्सपेंस अकाउंट और दिस इज अ इनकम अकाउंट, तो ऑटोमेटिकली बाय द एंड ऑफ द ईयर इट टेक्स अ बैलेंस टू पी एंड एल, द बेसिक सॉफ्टवेयर टैली सबसे बेसिक वाला, उसमें भी ये फीचर है, बट ये आज हम मैनुअल जमाने में, दैट्स व्हाई यू नीड टू ट्रांसफर, मतलब मैं एक सोच रहा हूं मुझे कुछ क्रिएटिव बच्चे चाहिए, I'm thinking of creating a platform which will be a private community, which will not be a public domain community, where I can create a content and put it across. But the student, foundation ka student ko foundation ka content dekhega, inter final. मतलब क्या है ना, नहीं तो फालतू का ना foundation का बच्चा final का content देखने आएगा और मेरे को पूछेगा सर ये कैसे आया, मतलब सही उम्र में सही doubt पूछना सीखो ना, तो वो content इधर LMS प्लेटफॉर्म YouTube पे मेरे को लगता नहीं कोई तरीका रहेगा उसके, आई नीड टू ऑथेंटिकेट अ स्टूडेंट्स, देर शुड बी अ प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड देन गिव इट अक्रॉस, इफ एनीवन हैज इट हम अगले हफ्ते से शुरू कर लेंगे कुछ तो। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन कॉस्ट हो गया, ये डेबिट हो गया पीएनएल को 31 मार्च 6 सेम एज अबव, why are you wasted, you cannot do this in exam, you samjha na, cost utna rahega agle saal ka kyunki estimate mein koi change hi nahi na yaar, there is no change of estimate, is debit to P&L, next year ho gaya, ab kya ho gaya, agla year aa gaya, agle year mein kya hone wala hai, half year bacha hai,
30 सितंबर 2006। अभी हाफ ईयर का कॉस्ट हमें बुक करना है ना। लेकिन दिक्कत देखो अब क्या हुई, दिक्कत ये हुई, अब हमको पता चला 6-7 अकाउंटिंग ईयर वी आर इन, 6-7 में तो हमको पता चल गया कि 300 लैप्स हो गए और 100 लैप्स हो गए, 100 और लैप्स हो गए, लेकिन वो अगले साल में पता चला हमें। और 30 सितंबर 2006, नाउ दिस इज अ ब्यूटी, और यू कैन डू इट इन 31 मार्च 2007। और कुछ कब करना है आपके ऊपर है, एंट्री आप ईयर एग्जाम में कुछ फर्क नहीं पड़ता, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, रियल लाइफ में फर्क पड़ता है। रियल लाइफ में 30 सितंबर को ही करना पड़ेगा, क्यों? अगर आपने लॉ में सेक्शन 129 ए पढ़ा होगा तो 129 ए न्यूली इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग कोविड पीरियड, इलेक्ट्रॉनिक मैनर में अकाउंट सबमिट करने का, दैट इज 137 XBRL, which was introduced in 2011. Similar parallel one under 1956 law. MCA Green Initiative करके concept था. एकता है कुछ भी. 129A talks about interim financial reporting. क्या word use किया मैंने? Interim financial reporting. Quarterly reporting करना. For listed companies, this was already there under clause 41 of the SEBI listing agreement. जाने दो, मतलब वो इतना ज्यादा तुमको लॉ बोल के टेंशन आ जाएगा. सो SEBI का लिस्टेड कंपनीज के लिए क्वार्टरली रिपोर्टिंग पहले से था, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए भी पीरियोडिक रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है. नॉट ऑल स्पेसिफाइड कंपनीज आर देयर. सी, इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन टाइमली मैनर में आपने देना चाहिए, एन्युअलाइज मैनर में नहीं देना चाहिए. अब मुझे बोलो ये एंट्री आप 30 सितंबर को पास करोगे या 31 मार्च को पास करोगे, उससे फर्क पड़ता है. आपको एक्चुअली क्वार्टर बाय क्वार्टर एंट्री पास करना पड़ेगा. जो कॉस्ट हम ईयर के एंड में बुक कर रहे हैं ना, यू हैव टू अक्रू दैट कॉस्ट ऑन क्वार्टर बाय क्वार्टर, दैट इज रियल लाइफ. टैक्स का अकाउंटिंग होता है, यू हैव टू डू क्वार्टर बाय क्वार्टर. For this ICAI way back in 2003 it should be, had introduced an accounting standard number 25 on interim financial reporting. AS 25, क्योंकि companies quarterly reports बनाते हैं. हम अभी तक टंट दुनिया में ही हैं, तो real life में आपको quarterly करना पड़ेगा. अभी अपने syllabus में हम year के end में कर रहे हैं. मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, ना कि मैं सिलेबस को नीचा दिखाना चाहता हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता हो कि रियल लाइफ में जाने के बाद ऐसे ईयरली अकाउंटिंग नहीं करना पड़ेगा, क्वार्टरली करना पड़ेगा लिस्टेड कंपनी है तो. अनलिस्टेड है तो भी क्वार्टरली करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट कैरिड आउट टू द कंपनी लॉ ड्यूरिंग कोविड पीरियड, सेक्शन 129 ए नया इंट्रोड्यूस किया है. अब देखो इधर वर्किंग नोट में आ जाओ. इस साल में क्या हुआ रे बच्चों, अपने एस्टिमेट में चेंज हुआ. अब तक हम एस्टिमेट लेके चल रहे थे कि 1000 ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, एक्सरसाइज हो जाएंगे. अब तक हम एस्टिमेट लेके चल रहे थे 1000 ऑप्शंस एक्सरसाइज हो जाएंगे, लेकिन अभी क्या हो गया, लैप्स कितने हो गए, 300 ऑप्शंस लैप्स हो गए. तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव कॉस्ट By 30 सितंबर 2006. 30 सितंबर को आपका वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया ना. तो ट्राई डिस्कॉर्ड फॉर दैट. कोई डिस्कॉर्ड में किसको आता है मुझे बोलो. समन, तुम लोग तो मतलब बहुत सारी चीजें वहां पे करते हो गए. हाँ पोतनीस, घर पे आके मारेगा तेरे को, तेरे को मालूम है तुम लोग वहां पे क्या क्या कर सकते हो डिस्कॉर्ड पे. हा? सो गंदी वाली चीजें नहीं होती है, थोड़ी डिस्कॉर्ड सर्वर होता है. अरे ऐसा गंदी वाला वो कौन सा था, रेड रेड कुछ, रेडिट रेडिट पे बाकी बहुत सारा कचरा चलता है. 30 सितंबर 2006, जाने दो आप उस दुनिया से दूर ही रहो. 600 नहीं सॉरी 700
700 मल्टीप्लाइड बाय 700 मल्टीप्लाइड बाय बोलो कॉस्ट कितना था पर ऑप्शन 120 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 2.5 क्यों 2.5 ईयर्स आर ओवर ना कॉस्ट क्यूमुलेटिव बेसिस पे 30 सितंबर तक कितना है 84,000 कॉस्ट है लेस कॉस्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड कब तक रिकॉर्ड हो चुका है बच्चों कॉस्ट बाय 31 मार्च 2006 तक कितना रिकॉर्ड हो गया अपने पास ऑलरेडी है ना 48,000 इंटू टू ऐसा हमने 96 ऑलरेडी बुक कर लिया है और इसको आप कैसे कर सकते 1000 ऑप्शंस इंटू 120 अपॉन 2.5 इंटू टू कितना तरह 96,000 व्हाट इज 96,000 कॉस्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड कॉस्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड इज 96,000 therefore shall we debit to P&L no logically we should credit to P&L but our ICS says in the study material credit to reserves I don't know whether they are improved you can check it and if you find they are not crediting to reserves let me know I am not bothered to look at the module they credit to reserves do not ask why I do not know aur likha hai unhone mere ko लॉजिकली अगर डेबिट पीएनएल को कर रहे थे तो क्रेडिट भी पीएनएल को करना क्रेडिट टू रिजर्व्स क्यों तुमको समझ जिस दिन समझ जाएगा ना तुमको उसका लॉजिक मुझे बोलना और हां अगर इंस्टीट्यूट सच में चेंज हो गई होगी तो वो भी बोलना मुझे ऐसे का मॉड्यूल है ये तुम्हारे पास घर पे रहेगा हाँ नहीं करते मेरे को जितना याद है मेरे को नॉर्मली इतना जल्दी चेंज नहीं होंगे 12,000 वो गाइडेंस नोट में कहीं तो उन्होंने लिखा था वो गाइडेंस नोट जाके भी जमाना हो गया है बाकी बहुत सारी चीजें दुनिया आगे जा चुकी है वो छोड़ दो मैं आई एम नॉट गोइंग इनटू हिस्ट्री व्हाट इज रिटन इन द मॉड्यूल लाइक ब्लैक एंड स्कोल्स ये 1970 में आ चुका है यार मॉडल ऑप्शन का प्राइस ढूंढने का मॉडल आज नहीं आया है 1970 क्रेडिट टू रिजर्व चलो कम डाउन पास एंट्री इसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट बच्चों हम क्या कर रहे हैं अपना ऑब्लिगेशन कम कर रहे हैं जो इसॉप आउटस्टैंडिंग हमने क्रेडिट किया था ना वो हम कम कर रहे हैं कितने से कम कर रहे हैं 12,000 से इसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू व्हाट जनरल रिजर्व ये पीएनएल को नहीं जाएगा इफ इंस्टीट्यूट हैज चेंज इट्स ओके इट इज जनरल रिजर्व इडियट लेडी व्हाट वाज माय क्वेश्चन साला इंग्लिश मीडियम में सीख के इधर था यस सर क्वेश्चन वाज व्हाट हैज इंस्टीट्यूट चेंज्ड आंसर वाज नो मैं शॉक हो गया दो मिनट इंस्टीट्यूट चेंज हो गया तो मतलब इतनी जल्दी लोग चेंज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का ईगो अहम कुछ गलती की मैं एक्सेप्ट करूंगा मेरी गलती हो गई मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं उधर एक्सेप्ट करना चाहिए क्वेश्चन क्या था मेरा हैज इंस्टीट्यूट चेंज्ड देखो बीइंग एक्सेस कॉस्ट रिकॉर्डेड रिवर्स्ड तो मैडम हैज कंफर्म दैट इंस्टीट्यूट क्रेडिट्स टू जनरल रिजर्व इफ दे एक्चुअली क्रेडिटेड टू पीएनएल यू हैव टू ब्लेम मैडम सो being cost reversed तुमको और लिखना है तो being cost reversed as per the working shown below अभी P&L को ट्रांसफर नहीं होगा कुछ हाँ अब बच्चों और कॉस्ट रिवर्स करना पड़ेगा मुझे क्यों मालूम है क्या हमने बच्चों कितना कॉस्ट बुक किया हमने 48 बुक किया था फिर वापस 48 बुक किया 12,000 उसमें से रिवर्स कर लिया रहेगा 84 वो 84 है इधर और रिवर्स करना पड़ेगा क्यों
हम अभी कितने पे? 700 ऑप्शन पे, लेकिन ससुरा एक्सरसाइज कितना हुआ? ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था कल। अभी और एक्सरसाइज कब हुआ उसका डेट मालूम? 30 जून को सारे के सारे एक्सरसाइज हो गए, ऐसे लिखेंगे हम 30 जून 2007। क्या हुआ रे उस दिन? अरे उस दिन क्या हुआ, 600 ऑप्शन को 600 ऑप्शंस का पैसा मिला आपको, 600 × 120 ना रे, अच्छा 40 है, 40 का कैश में आया। एंड इसॉप आउटस्टैंडिंग में कितना जाएगा बच्चों? 600 × 120 600 × 40 20 600 × 120 72,000 टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल। अपना कॉस्ट अभी 72,000 ही रहा, लेकिन हमने कॉस्ट ऑलरेडी कितना बुक किया है? 84 बुक कर लिया है, तो हम क्या करेंगे? और 12,000 रिवर्स मारेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 10 रुपया ना रे, फेस वैल्यू दिया है क्या? फेस वैल्यू दिया है 1000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 600 × 130 130 नहीं 150 आएगा, 90,000 बीइंग शेयर्स इशू। Being shares issued, I hope everyone understood. Next entry, और एक entry आएगी 30 June 2007। 100 options lapse हो गए ना, कैसे 700 वेस्ट हुए थे, एक्सरसाइज कितने हुए हैं? चलो रिवर्स करो, इसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 12,000। अब बोले सर अमाउंट सेम कैसे है? अमाउंट इज नथिंग बट 100 ऑप्शंस इनटू 120। कैसे? 120 पूरा कॉस्ट बुक किया था ना रे, हमने पूरा कॉस्ट बुक किया था, और वो क्या कॉस्ट हुआ? उसमें से 100 ऑप्शंस का कॉस्ट रिवर्स हो गया, समझा कह रहे? और एक खतरनाक तरीका बोलो, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, आर यू विलिंग टू लर्न? ये हो गया, ये तो 100 × 120 ये बेसिक था, थोड़ा सा अलग देखो। अभी ये जो 12,000 है ना, उसका अलग से एक्सप्लेनेशन देखो, यही 12,000 को मैं अलग एक्सप्लेन करता हूं अलग अंदाज से। उस टाइम पे हमको लग रहा था कि 1000 ऑप्शन एक्सरसाइज होंगे, हमने 1000 के हिसाब से 2 साल का कॉस्ट बुक कर लिया था, लेकिन अब लगा हमें कि 1000 नहीं 700 ही क्या होंगे, एक्सरसाइज होंगे 700, एक से मतलब 300 ऑप्शन क्या हो गए, लैप्स हो गए। तो जो ऑप्शंस लैप्स हुए, जो ऑप्शंस लैप्स हुए उनकी जो कॉस्ट आपने ऑलरेडी बुक करी थी, क्या बोल रहा हूं यार, वट एवर कॉस्ट यू आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर लैप्स ऑप्शन यू मस्ट रिवर्स, रिवर्स कॉस्ट ऑलरेडी बुक्ड फॉर हाउ मेनी ऑप्शंस, 700 ऑप्शंस, ओह सॉरी 700 नहीं 300 थे ना लैप्स, कॉस्ट ऑलरेडी बुक्ड फॉर 300 लैप्स्ड ऑप्शंस, जो लैप्स हुए थे उनकी कॉस्ट जितनी बुक की थी ना उसको रिवर्स कर चल, 300 × 120 अपॉन 2.5 बाउंसर, ये 300 लैप्स हो गए उनकी जो कॉस्ट हमने बुक करी थी, अरे उनके टोटल कॉस्ट 120 है, लेकिन 120 हमने पूरा बुक नहीं किया था। बोला आंसर,
28,800 ये कॉस्ट हमें रिवर्स करनी है, तो दिस इज क्रेडिट, क्रेडिट टू पी एंड एल लॉजिकली, बट कॉस्ट टू बी बुक्ड, कॉस्ट टू बी बुक्ड फॉर 700 एक्टिव ऑप्शंस, 700 तो एक्टिव है ना, फॉर हाफ ईयर, क्यों उस साल में हाफ ईयर ही बचा था ना, अरे आउट ऑफ टू एंड हाफ पब्लिक, टू इज ऑलरेडी ओवर, दिस इज ब्रेनी, डू यू हैव ब्रेन, 700 इंटू 120 यू विल गो डिवाइड बाय टू एंड हाफ इंटू 0.5 16,000, अरे बल्ले बल्ले, दिस इज लॉजिकली डेबिट टू पी एंड एल, इतना पी एंड एल को डेबिट होना चाहिए, इतना पी एंड एल को क्रेडिट होना चाहिए, तो हम नेट बेसिस पे 12,000 करते हैं, लेकिन वो पी एंड एल को नहीं करते है, हम जनरल रिजर्व, उसका लॉजिक मुझे मालूम नहीं है, जो नहीं है नहीं बोलूंगा, नहीं मालूम, ऐसा है क्या बोले, हाँ कोई तो सर बोल रहा था, कुछ तो कोई तो बोल रहा था ना अभी, समझा क्या तुमको, ये कॉम्प्लिकेटेड तरीका है लिखने का, आधे लोगों को समझा ही नहीं ना क्या, एग्जाम में चलता है क्या, नहीं एग्जाम में ऊपर वाला एग्जाम वर्किंग करो, एग्जामिनर को भी शायद नहीं समझेगा, और ये नहीं एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, जो कॉस्ट ऑलरेडी बुक की थी उसको रिवर्स कर, फॉर व्हाट, लैप्स ऑप्शंस, और जो कॉस्ट बुक करनी थी वो बुक कर, इट्स बेसिक, क्वेश्चन इज ओवर, गो थ्रू करो एक बार पूरा क्वेश्चन, गो थ्रू करना, कुछ डाउट है तो बोलो, शूट अप द डाउट ऑनलाइन पब्लिक इफ यू आर डाउट, किसी को भी डाउट नहीं है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई एम जस्ट टेकिंग डिफिकल्ट वंस, अभी इसके पहले वाला किया था उसमें तो कुछ था ही नहीं डायरेक्ट, चलो और एक क्वेश्चन, ये भी अच्छा, आई लव दिस क्वेश्चन नंबर P3, चॉइस लिमिटेड ग्रांट्स 100 स्टॉक ऑप्शंस टू ईच ऑफ 1,000 एम्प्लॉइज ऑन 1st of April 2005 फॉर रूपीज 20, 1st of April 2005 को हमने क्या किया, ऑप्शंस ग्रांट कर लिए फॉर हाउ मच, 20 रुपीज, डिपेंडिंग अपॉन एम्प्लॉइज एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन, एक एम्प्लॉय को कितने ऑप्शन दिए, 100, 1000 एम्प्लॉय को दिया, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 50, आगे अपनी औकात पे शेयर का प्राइस और स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस इज आवर कॉस्ट, शेयर का प्राइस कितना था, 50, स्ट्राइक प्राइस कितना है, तो ऑप्शन की कॉस्ट कितनी होगी, बोलो अच्छा, नेक्स्ट बाजू में इधर आ जाएंगे, इधर दीज ऑप्शंस विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर वन, इफ, हाँ ये अच्छा है, मैंने बोला ना नॉर्मली यू पुट अप सम कंडीशंस फॉर व्हाट, और एक्सरसाइज ऑफ एन
option. These options will vest at the end of the year one if earning of Choice Limited increases 16%. Earnings increase by how much? In which year? First year. Directly. So vesting period itself is a dilemma. कल के क्वेश्चन में स्ट्राइक प्राइस बदल रहा था, इसमें वेस्टिंग पीरियड बदल रहा है. वेस्टिंग पीरियड कैन बी वन ईयर इफ अर्निंग्स गो अप बाय, और इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर टू इफ एवरेज अर्निंग ऑफ टू इयर्स इंक्रीजेस बाय, एवरेज अर्निंग इंक्रीजेस बाय हाउ मच, और एवरेज ऑफ द टू, or it will vest at the end of the 3 years if average earning increases by 10%. So bolo mujhe vesting period kitna ho sakta hai? Year 1 ho sakta hai, 2 years ho sakta hai, 3 year bhi ho sakta hai. 5000 options lapse on 31st March 2006, 4000 options lapse on 31st March 2007, finally 3500 unvested options lapse on 31st March 2008. तो लैप्स 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 क्या हुआ? लैप्स लैप्स. एक्सरसाइज पीरियड इज वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ वेस्टिंग. तो अच्छा यहां पर क्या डिबेट है? वेस्टिंग पीरियड कैन बी वन ईयर. अब देखते हैं अर्निंग्स ऑफ द चॉइस लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड ऑन 31st March 2006. 14%. First year में your profit went up by 14%. Your profit went up by, समझा? The profit went up by 14. In which year? For sure, vesting period is not 1 year. That we come to know in the first year itself. So now, in the first year, when I had to do accounting, I have two choices, bouncer. In the first year, see, there are total 3 choices. 1 year, 2 year, 3 year. 3 choices were there, na? Out of 3, first choice is eliminated. I hope everyone understands this basic English. I have 2 choices now. What are the 2 choices left? Vesting period can be? और कैन बी. हम बोलेंगे, आप बोलेंगे सर मालूम है ना हमें 2 years नहीं है. अरे वो गधे, तेरे को क्वेश्चन दिया इसलिए मालूम है. वेदर यू आर अवेयर अबाउट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर अर्निंग वेस्टिंग पीरियड कैन बी टेकन एज आइदर 2 और कैन बी टेकन एज आइदर 31st March 2007. एवरेज कितना है 2 साल का? नहीं चलेगा. एवरेज कितना है इधर 3 साल का? 10 point मीट हो रहा है. क्यों? एवरेज ऑफ 3 years शुड बी 10. तो बच्चों कंडीशंस कब मीट हो गए रे? थर्ड ईयर के एंड में जाके कंडीशंस मीट हो गए. थर्ड ईयर के एंड में जाके कंडीशंस मीटअप हो गए. कब कंडीशंस मीटअप नहीं हुए थे? Conditions were not met at the first year end. They were met at the third year end. 850 employees exercised the vested options by 31st March and the remaining options were unexercised at the end of life. Pass journal entries. Aha, Jannat. Accounting ke liye. Question number P3. देखो अब पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं तुम्हारा वेस्टिंग पीरियड कौन सा है. 1 अप्रैल 2005 को आपने ऑप्शंस ग्रांट किए थे. वेस्टिंग पीरियड ओ कैन बी 2 कैन बी 3. दो आंसर साथ साथ, मतलब एक्चुअल में 3 हुआ. एक्चुअल में वेस्टिंग इज, आई विल प्रेजेंट 2 आंसर्स. एंट्रीज में एक आंसर की देता हूं,
बट वर्किंग में दो अलग अलग तरीके से देता हूं. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वेस्टिंग पीरियड कैन बी 3, कैन बी 2. इफ यू टेक 2 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, देन एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर यू हैव टू चेंज द वेस्टिंग पीरियड अगेन. बाउंसर बाउंसर. साल फर्स्ट ईयर एंड यू टेक वेस्टिंग पीरियड एज 2 ईयर्स. Then you go to second year. Second year when you go, you know that a vesting period is not 2. So in second year, you have to change the vesting period from 2 to 3. And that's why debit to P&L will undergo a... How will it change? Shall I explain? Yes. Are you willing to learn? Yes. Abhi main pehle those... Yeh, aisa likhta hai na. Main idhar direct assumption likhta hoon. Assumption. Likho. Assumption, vesting period is 2 years. What is my assumption? Vesting period is how many years? 2 years. Particulars. टू ईयर से तो क्या होगा? इफ इट इज 2 years, विच 2 years? 2 years से लेकिन आपको चेंज तो करना पड़ेगा. फर्स्ट ईयर कौन सा है? 2005-6. देखो मैं कॉलम क्या क्या बना रहा हूं. आई एम मेकिंग अ फर्स्ट कॉलम ऑफ 5-6, देन आई विल मेक अ सेकंड कॉलम ऑफ व्हाट? 6-7. 5-6 रुपीज, 6-7 रुपीज, 7-8 रुपीज. समझा क्या? एंड आई हैव टू मेक 8-9 ऑल्सो. आप बोलेंगे वाई? वन ईयर इज गिवन फॉर एक्सरसाइज. वन ईयर इज गिवन फॉर एक्सरसाइज. देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूं. आई एम राइटिंग हियर नंबर ऑफ options like granted कितने थे? 1 lakh. 1000 employees and 100 each. ये number है, rupees नहीं है. 1 lakh less lapsed. Lapse का number दिया. First year में 5000 lapse हो गए, तो उनकी cost ही हम book ना करें. Therefore options likely to vest 95,000. समझा गया? 95. फर्स्ट ईयर में कितने ऑप्शंस वेस्ट हो सकते थे? 95,000. अब ये 95,000 आप अगले ईयर में लेके जा सकते हो, या आपको 1 lakh लिखना है तो 1 lakh ही लिखो, फिर क्यूमुलेटिव लैप्स लिखो. मैं 95 का ओपनिंग बैलेंस लिख रहा हूं. अगले साल में और कितने लैप्स हो गए? 4,000 लैप्स हो गए. क्वेश्चन में दिया ये 91,000. वेस्टिंग पीरियड तो मैं नीचे अलग से ले लूंगा. 91,000 थे, उसमें से और कितने लैप्स हो गए? 3,000. तो रहे कितना गए? 87,500 रह गए ना. दैट 87,500 आई विल टेक इट टू नेक्स्ट ईयर. और 850 और एक्सरसाइज नहीं हुए. देखो नहीं, 850 एक्सरसाइज हुए, 850 एम्प्लॉइज ने एक्सरसाइज किए, 85,000 एक्सरसाइज हुए. तो 2500 क्या हो गए? लैप्स. 2500 कहां से निकाले? दिया नहीं है. इट्स अ बैलेंसिंग फिगर. समझा करे? अब देखो व्हाट इज कॉस्ट पर ऑप्शन. कॉस्ट पर ऑप्शन कितनी है तुम्हारी? फर्स्ट 30 rupees. 30 rupees समझा कर तुमको? You will go mad now. So therefore you can get a total cost. See, पहले साल में आपको कितना ऑप्शन एक्सरसाइज होगा ऐसे लग रहा था? रिस्पॉन्स चाहिए मुझे 95,000. लास्ट बेंच ग्रीन शर्ट. आई होप यू आर राइटिंग. निधि तेरे बाजू वाला बंदा हो.
लिख रहे देख, पूरा लिख रहा है ना हैंडराइटिंग? कैन योर फादर रीड? यस नो? एवरीवन कैन रीड, गुड। 95,000 × 30 होमवर्क करके आया था क्या? तुम 2 मिनट चुप बैठे ना। 95,000 × 30 बोल। 28,50,000 28,50,000 क्या रही है तुम्हारी टोटल कॉस्ट है 28,50,000। नाउ दिक्कत क्या है? ये मेरी कॉस्ट है, कितने साल पे स्प्रेड करूं? मेरे पास दो ऑप्शंस है, आइदर 2 or 3। मैंने अभी क्या लिखा है, वेस्टिंग पीरियड इज अज्यूम टू बी 2 years इन फर्स्ट ईयर, बट वेन यू गो टू सेकेंड ईयर वी विल चेंज अजम्पशन। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज ऑफ एस्टिमेट लाइक अ डेप्रिसिएशन चैप्टर। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, वेस्टिंग पीरियड एस्टिमेट। व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ वेस्टिंग पीरियड बोलो? 2। मैंने 2 कर लिया ईयर 1 में, देयरफॉर मैं लिखूंगा यहां पर क्यूम्युलेटिव कॉस्ट। क्यूम्युलेटिव कॉस्ट कितना होगा? 28,50,000 अपना कॉस्ट है, लेकिन वो कितने साल का है? 2 साल का है, इंटू 1। वाई इंटू 1? क्योंकि 1 साल हो गया है, 14 लाख। तो मैं बोल रहा हूं 28,50 जो कॉस्ट है वो मेरी 2 साल की है सिर्फ, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं वेस्टिंग पीरियड 2 साल। आप बोलेंगे सर लेकिन मालूम है ना तुमको सर आगे गया, अरे गधे वो क्वेश्चन में मालूम है, जब तुम 31 मार्च 2006 को अकाउंटिंग कर रहा था तब तुमको मालूम था क्या? अब मुझे एक्चुअल में क्या हुआ सब कुछ मालूम है, तो वैसा चीटिंग नहीं कर सकता है। लेस कॉस्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड 0, देयरफॉर डेबिट टू P&L, डेबिट टू P&L और क्रेडिट टू रिजर्व्स। व्हाई? डोंट आस्क, ऐसे सवाल नहीं पूछते। कुछ चीजें होती है जिनमें क्वेश्चनिंग नहीं किया जा सकता है, जैसे आप ये नहीं पूछ सकते हो कि व्हाई सम टॉप बिजनेसमैन वांट टू बाय मीडिया चैनल्स। यू कैनॉट आस्क सच क्वेश्चंस, दे वांट टू मेक अ इन्वेस्टमेंट, दैट टू अ कंपनी विच इज मेकिंग वंडरफुल लॉसेस फॉर इयर्स। Why? A person who always went for a profit-making company goes for some loss-making companies. I don't know why. You should not ask such questions. 14,25,000. I hope everyone understood. ये पहले साल में अपना cost P&L को हमने debit कर लिया। अब हम दूसरे साल में जाते हैं। दूसरे साल में जब अपन गए तो पहली एक चीज हो गई, नंबर ऑफ ऑप्शंस का जो एस्टिमेट था वो चेंज हो गया। पहले मेरे को लग रहा था 95,000 ऑप्शंस एक्सरसाइज होंगे, अभी कितना एक्सरसाइज होंगे? 91 की कॉस्ट हम कितने के हिसाब से निकालेंगे? 30 के हिसाब से, क्यों? वो तो सेम है कॉस्ट पर ऑप्शन। कितनी अपनी टोटल कॉस्ट? अपनी टोटल कॉस्ट ही कम हो गई, 26 लाख, 27 लाख। व्हाई द हेल डिड इट केम डाउन? It came down because some options lapsed. Very good. My wasting period is gonna be now 3 years. Why, sir? Are because by the second year target was not met. जो target दिया था वो meet नहीं किया, तो क्या करेंगे हम? Wasting period को बढ़ाएंगे। जैसे मैंने तुमको target दिया कि 28 फरवरी तक हम batch खत्म करेंगे, लेकिन तुम लोग अगर नहीं respond करोगे, time पे नहीं आओगे, तो मैं target fulfill नहीं कर पाऊंगा। टारगेट को हम क्या करेंगे? फिर एक्सटेंड करेंगे, है ना? तो कल से क्या करोगे? कल में ही आने का, कल संडे है। डिवाइड बाय 3 × 2, ये क्या रहे? क्यूम्युलेटिव कॉस्ट। कल छुट्टी है, सो
नहीं, आई विल नॉट टेक ऑन अ संडे प्रेफरेबली. आई हैव नॉट डन द वर्किंग सो फार, आई विल डू द वर्किंग प्रेफरेबली टुमारो. 18 लाख, व्हाट इज 18 लाख? 20,000 क्यूमुलेटिव कॉस्ट फॉर व्हाट? 2 years. बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर योर कॉस्ट इज 18 लाख, बट आउट ऑफ विच 14,25,000 ये ऑलरेडी रिकॉर्ड. दैट्स व्हाई दिस दिस मेथड इज वेरी बेटर, इजी. वो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में एक अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया था ना, वो प्रेफरेबली फॉलो मत करना. वो 3 लाख. आप बोले सर इतना कम कैसे हो गया डायरेक्ट? इसके लिए कम हो गए क्योंकि पहले फर्स्ट ईयर में जब हमने पीएनएल को डेबिट किया ना, तो एस्टिमेट 2 साल था. सो व्हाट वी डिड, शैल आई लिंक इट? Not able to recollect number, section number. Accelerated depreciation. 32 के अंदर ही नंबर रहेगा इधर तो. There is a concept of accelerated depreciation. Something like scientific machinery, something like additional depreciation. 32 के अंदर कहीं ना कहीं तो रहेगा. अब बोले ये कहां से कहां गए तुम? वही है ना इनकम टैक्स, जो नया पब्लिक है आदत डाल दो. इनकम टैक्स करके एक सब्जेक्ट है, उसमें डेप्रिसिएशन पीजीपीपी करके एक चैप्टर रहेगा, उसमें डेप्रिसिएशन करके एक सेक्शन रहेगा. उस सेक्शन में जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, लोग कंपनीज बाहर आके पैसा नहीं स्पेंड कर रहे, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट अनाउंस करता है एक्सिलरेटेड डेप्रिसिएशन प्रोग्राम, अंडर विच गवर्नमेंट अलाउज यू मोर डेप्रिसिएशन इन द इनिशियल ईयर्स. लाइक दैट वी हैड एक्सिलरेटेड डेबिट टू पी एंड एल इन द फर्स्ट ईयर. हमने ज्यादा डेबिट करके रखा था पी एंड एल को फर्स्ट ईयर में. सेक्शन 32 में रहेगा, चेक कर रहे हो एडिशनल डेप्रिसिएशन. एक्सिलरेटेड का कॉन्सेप्ट तेरे को चाहिए 100% वाला या 100 से ज्यादा वाला, सेक्शन 35 के अंदर मिलेगा तेरे को. 35(2) साइंटिफिक रिसर्च वाला, चेक कर 35 के अंदर तेरे को अलग अलग आइटम्स मिलेगा. 35 उसमें डोनेशन दिया तो अलग मिलता है, खुद खर्चा किया तो अलग मिलता है, डोनेशन अलग अलग पर्पजेस के लिए किया तो अलग अलग मिलता है. उसमें लेबोरेटरीज का डेफिनेशन है बेटा. हमने रट्टा नहीं मारा था हमारी जिंदगी में. सो एक्सिलरेटेड डेबिट हुआ था ना पी एंड एल को, उसकी वजह से क्या हुआ? अगले साल में डेबिट कम हुआ. दैट्स अ इंसेंटिव दैट गवर्नमेंट गिव्स. यू विल ऑलवेज फाइंड ऑटोमोबाइल सेल्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर आर प्रिटी लो. ऑटोमोबाइल सेल्स इन द इनिशियल वीक ऑफ द अक्टूबर और लेट्स ए फर्स्ट 10-15 days of October is very less. Anyone knows? You know, tax apne wo feeling. If you buy asset prior to 30 September, you get a depreciation for the full year. तो जो लोग अक्टूबर में खरीद करने वाले थे, वो सेल्समैन उनको पीछे पीछे पढ़ के बोलता है 30 सितंबर के पहले खरीद लो, आपको इस साल का डेप्रिसिएशन पूरा मिल जाएगा. क्या होगा उससे? डेप्रिसिएशन उस साल का पूरा मिल जाएगा. अब बोले नहीं तो आधा मिल जाता इस साल में, बाकी क्या आगे आगे मिल जाएगा. समझा क्या? आगे मिलेगा आपको, लेकिन देयर इज अ प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल अभी एफएम में एक बहुत बड़ा बंदा था, उसने देके रखा है, बर्ड इन हैंड थियरी. तब जा एफएम में एक्सप्लेन करूंगा, आई डू नॉट वॉन्ट टू एक्सप्लेन नाउ. कम डाउन टू द नेक्स्ट वन. इस 30 अगले साल में भी 30, 87,500 इंटू 30, 26 लाख, 25,000. दिस इज योर टोटल कॉस्ट. वेस्टिंग पीरियड कितना है? 3. व्हाट इज योर क्यूमुलेटिव कॉस्ट? ऑब्वियसली 26 लाख. 25,000 इज योर क्यूमुलेटिव कॉस्ट, बट उसमें से ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड किया है? 18,20,000 वी आर ऑलरेडी डेबिटेड टू पी एंड एल. ओ थोड़ा नीचे दो. This was down, समझा ना?
18,20,000 ऑलरेडी हमने अभी तक रिकॉर्ड कर लिया है सर, नवंबर 22 जैसा क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, तो क्या करेगा तू? उसमें भी ऐसा था, वहां पे स्ट्राइक प्राइस का एस्टिमेट चेंज हो रहा था, यहां पर वेस्टिंग पीरियड का एस्टिमेट चेंज हो रहा है, और नंबर ऑफ ऑप्शंस भी चेंज हो रहे। बोला आंसर। 8,05,000। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। आगे करो, अगले साल के लिए जाओ। 8,05,000, व्हाट इज इट? डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 8,05,000। अगले साल में आओ, 85,000 इंटू 30, 25 लाख। अपना कॉस्ट 25 लाख, 50,000 ही है। सो 25 लाख, 50,000, समझा क्या? कॉस्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड इज हाउ मच? 26,25,000 ऑलरेडी हमने 26-25 रिकॉर्ड किया है। अब ओके, आप बोले कहां से आ रहा है ये सर? ये ऐसे आ रहा है, जिसको अगर अभी तक समझा नहीं होगा, यहां पर क्रेडिट टू रिजर्व करना है 70। दिस इज क्रेडिट टू रिजर्व, क्यों रे? जो कॉस्ट ऑलरेडी बुक किया था वो अभी रिवर्स करना है, जितने ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं हुए उनका। तो बोलो बच्चों, फर्स्ट ईयर में इतना डेबिट, सेकंड ईयर में इतना डेबिट, थर्ड ईयर में इतना डेबिट, फोर्थ ईयर में क्रेडिट टू। अकल ठिकाने पे है क्या? अब इसमें अजम्पशन क्या किया मैंने? 2 ईयर्स, देयर इज अ 50% चांस दैट यू कुड फेल। व्हाई? You make assumption of 2 years. ICA makes assumption of 3 years. You make assumption of 3 years. ICA makes assumption of 2 years. Logically, दोनों आंसर उनके पास होने चाहिए, बट वो आंसर कभी किसी को मालूम ही नहीं। Nobody knows the answers which are used for checking of the papers. चलो जनरल एंट्रीज देते हैं। दूसरा और एक आंसर है पॉसिबल, उसमें क्या करना है मालूम है? इधर पहले साल में जो 2 है ना, वो 2 के जगह पे 3 लिखना है, आगे सब कुछ सेम है। हाँ, उससे वजह से अमाउंट को चेंज होगा, वो बाद में बताता हूं। चलो जर्नल एंट्रीज ऑन योर ओन, जर्नल एंट्रीज ऑन योर ओन, वी मेक यू कैपेबल ऑफ पासिंग एंट्रीज ऑन योर ओन, इवन नाडे कैन पास इट। डेट लिखने का है, डेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, डू इट। यू कैन गो रॉन्ग, दैट्स ओके यार। डू नॉट डिस्कस, जिनको क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन देख सकते हैं। डू इट क्विकली, प्रॉपर नरेशन के साथ आना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली नरेशन सर मैंडेटरी।
do not discuss. Are you done? Can we check? So entries will be same, just amounts will change. Shall we check it up? Check kare kya? First year employee compensation cost account debit to ESOP outstanding account. How much?
14,25,000 है ना. सेकंड ईयर सेम एंट्री. ओके फर्स्ट ईयर वन मोर एंट्री यू नीड टू पास. पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन कॉस्ट 14,25,000. सेकंड ईयर व्हाट डू यू डू? सेम एंट्री. ईसीसी टू इसॉप आउटस्टैंडिंग 3,95,000. थर्ड ईयर सेम एंट्री. पी एंड एल डेबिट. फोर्थ ईयर क्या होगा? रिवर्स होगा. इसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. कितना रिजर्व को ट्रांसफर करोगे आप? 75,000 यू विल ट्रांसफर टू रिजर्व्स. इन विच ईयर? लास्ट ईयर. एंड प्लस लास्ट ईयर में शेयर इश्यू का भी एंट्री करना पड़ेगा. क्या मैं वो एंट्री कर सकता हूं? क्या होगा? कितना पैसा आएगा रे तुम्हारे पास? बैंक अकाउंट डेबिट 85,000 मल्टीप्लाइड बाय एक ऑप्शन कितने पे दे दिया तुमने? 20. अरे कितना इजी है, फेल कैसे हो गए? प्लान करके फेल हो जाओगे. इसॉप आउटस्टैंडिंग 85,000 इंटू 30 अमाउंट तुम तुम्हारा लिखना टू इक्विटी शेयर कैपिटल 85,000 इंटू टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. ओ डेट लिखा होगा तुमने 30 पहले वाले एंट्री का. इसका एंट्री का डेट 31 मार्च 2006, देन 31 मार्च 2007, 31 मार्च 8, 31 मार्च 9, ये भी 31 मार्च 9 को हुआ. 85,000 इंटू 40, 85,000 इंटू 40. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. एनीवन हैज अ डाउट? There is no doubt. है कोई माइक का लाल जिसका डाउट है? Nobody has a doubt. Yes. Exercise की है. हाँ तो no. Cost, he says, can we spread the cost of option over lock-in period? Answer is no, because company basically puts the conditions. The condition is a period over which the company gets a service from the employee. Employee can leave the job in lock-in period. Na? After exercise of option, can he not leave the job? Yes. Still the shares will be there with him. He becomes a shareholder. It is not necessary. So cost is to be... See, whatever is the cost to the company, I will spread over which period? Period over which I get a benefit. I get a service. Service oblique benefit is available for which period? Vesting period. So cost will be spread over which period? Vesting period. Why will I spread the cost beyond vesting period? Cost will be spread only over vesting period. Cost is going to be spread over vesting period. Samjha kare? नेक्स्ट. अब इसमें अगर मैंने अजम्पशन, और किसी को डाउट है? क्योंकि उसके बाद एम्प्लॉय छोड़ के गया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मेरे को सर्विस नहीं मिलता. अगर सर्विस नहीं मिलता मुझे बाद में, व्हाई शुड आई स्प्रेड द कॉस्ट? व्हाई शुड आई स्प्रेड द कॉस्ट ना? अब देखो, अगर मैंने ये वेस्टिंग पीरियड का अजम्पशन 2 साल के जगह पे 3 साल किया, लिखना मत, क्या होगा? क्या मुझे पहले साल में लगा वेस्टिंग 2 साल में नहीं होगा, वेस्टिंग 3 साल में होगा. दिस इज व्हाट आई थिंक. इन विच ईयर? फर्स्ट ईयर.
what will I do? 1 lakh into 1 lakh less 5,000 options likely to waste 95,000 आएगा. ये 30 वैसे ही रहेगा, ये भी वही रहेगा. इधर सिर्फ दो के जगह पे मैं कितना करने वाला हूं? तीन करने वाला हूं. दो के जगह पे मैं तीन करने वाला हूं. तो मेरा कॉस्ट कितना आएगा इधर? 9,50,000. क्यों? 28,50,000 जो है ना, उसको हम स्प्रेड करेंगे ओवर 3 years. मेरा फर्स्ट ईयर के पीएनएल को डेबिट कितना होगा? 9,50,000. यू कैन राइट इट बाय पेंसिल इफ यू वांट. सेकंड ईयर में ये सेम रहेगा, 18-20 सेम रहेगा, लेकिन 18-20 में से मैं माइनस कितना करूंगा मालूम है क्या? 9,50,000 माइनस करूंगा. 18-20 में से 9,50 में माइनस कर लूंगा. 9,50 माइनस करने के बाद कितना आता रहे? 8,70,000. अगले साल में कोई चेंज नहीं होता. अगर आपने ऑब्जर्व किया, इन दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल सेम ही है. सिर्फ ईयर बाय ईयर अमोर्टाइजेशन का जो अमाउंट है ना, वो चेंज होता है. एंड दैट्स अ ब्यूटी. इट जस्ट ईयर बाय ईयर डिफरेंस. इट इज नॉट अ ओवरऑल डिफरेंस. हैव यू अंडरस्टूड दैट? मॉड्यूल में पहले वाले अजम्पशन से मैं क्या करूं? मेरा काम तो सिखाना है ना कॉन्सेप्ट को मॉड्यूल में. प्लीज डोंट रिमेंबर आई से ने किया मतलब क्या है? वही आंसर है. ऐसा नहीं होता. यू हैव टू बी ओपन. दैट्स व्हाट प्रोफेशनलिज्म इज ना. देयर कैन बी व्यूज व्हिच आर डिफरिंग टू योर व्यूज. बोलो और. दैट्स अ डिफिकल्ट वन. ओके, एंट्रीज वापस मत करते बैठना. जर्नल एंट्रीज वही रहेंगे. सर रियल लाइफ में वेयर डज अ कंपनी क्रेडिट इसॉप आउटस्टैंडिंग फॉर एक्सेस? एक्सेस विल गो. सी इन रियल लाइफ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज इट्स नॉट जस्ट इसॉप. देयर इज अ शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर देयर इज अ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्वड इन अकाउंटिंग. इट्स नॉट जस्ट अ प्लेन थिंग लाइक दिस. अभी क्या है, मॉड्यूल में इन्होंने कहीं से तो गाइडेंस नोट दिया है. वो गाइडेंस नोट आईसीआई ने विड्रॉ भी कर लिया है. अब मेरे पास इंटरनेट चल नहीं रहा है. हॉटस्पॉट ही कनेक्ट करता हूँ. दैट्स ओनली वे. ये राउटर को मतलब ऑब्जर्व. इफ यू लुक एट द रिसोर्सेस एंड देर आर गाइडेंस नोट्स ऑन अकाउंटिंग, गाइडेंस नोट्स ऑन अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स. ये गाइडेंस नोट पूरा का पूरा रिवाइज हो गया. शेयर बेस्ड पेमेंट 2020. मेरे हिसाब से मॉड्यूल में उसका संबंध भी नहीं है. कौन से मॉड्यूल में रहे? मॉड्यूल 1, 2, 3. मैडम मॉड्यूल 1, 2, 3. टू में क्या? हाँ, तो आईसीआई का जो मॉड्यूल है उसमें रेफरेंस दिया है कि नहीं, इन्होंने मालूम नहीं मुझे. इन्होंने कुछ कुछ थ्योरी लिखा है उसके ऊपर जनरल. हाँ, आगे आगे मेरे में. आईसीआई ने रेफरेंस तो दिया है, कम से कम इंट्रिंसिक वैल्यू लिखा है और फेयर वैल्यू लिखा है. उन्होंने नाम लिखा है सिर्फ लिखने के लिए. इन थियरी दे आर रिटन समथिंग. ऐसे अलग अलग टाइप के ऑप्शंस रहते हैं. सो वो थियरी के लिए आपको करना पड़ेगा. यू लव टू डू थियरी. वो मैं आपको एंड में कॉस्टिंग के जैसे मैं आपको कुछ पेजेस दे दूंगा उतना. तुम्हारे मॉड्यूल में लिखा है उन्होंने गाइडेंस नोट का रेफरेंस. सब कुछ लिखा है बट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अलग ही होता है. सो बेसिकली इलस्ट्रेशन जो आते हैं ना, इसके पहले बहुत सारा थ्योरी दिया उन्होंने. ये गाइडेंस नोट है, ये पूरा 3.5 पे लिखा है उन्होंने. जनरल गाइडेंस नोट बोला, 2020 का वर्जन नहीं है.
there are different types of options. Institute has credited it to general reserve. I honestly do not know why. Next, Janado, this is how the questions are to be solved. Iske upar theory question aata hai. Typical theory question aa sakta hai, like what are different types of options they can ask. They can ask you theory. Toh iske liye kya karna hai? Concept book hai. Ye apna concept book hai. You should be going through the concept book. Maine yahan pe iska mast summary diya hai. Basic concept kya hai is aapka? Kal padhna. Different forms hote hai share based payment ke. Apne question mein ESOPs hi aate hai. There is something called employee stock purchase plan, whereby you give employee an option to formally purchase shares. Like this is in case of an IPO. Whenever IPO comes up, I say out of the total shares, 5% shares are reserved for employees. So that is employee stock purchase plan, option plan. Array, option plan is where option is given. Here also option is given, but we say it's in IPO, we are, it's not for a service. Like hum ek ek employee ko reservation kar rahe hain. Employee quota rehta na IPO ke time pe. So that is, then there are stock appreciation rights, whereby you give the options to the employee with reference to share price increase or some performance. Sweat equity dete hai. This is nothing to do. These are share based payments. So ये थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ एम्प्लॉइज आर रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट्स. डेफिनेशन ऑफ हिसॉप ये कंपनी लॉ मैंने जनरल नॉलेज के लिए दिया, सेक्शन 62 बोला था मैंने, ये सब कुछ टर्म्स ऑलरेडी सिखाए हुए सारे के सारे टर्म्स. ग्रांट ऑफ ऑप्शन सिखाया गया, वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन सिखाया गया, वेस्टिंग पीरियड ऑप्शन का मतलब सिखाया गया, एक्सरसाइज डेट एंड पीरियड सिखाया गया, एक्सरसाइज प्राइस सिखाया गया, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू, ब्लैक एंड स्कोल जो था वो फेयर वैल्यू था, अकाउंटिंग फॉर ESOP. तो ये मैंने जनरल गाइडलाइंस लिखे, बाकी मैं यहां पर सिलेबस के हिसाब से लिखता हूं. दिस इज नॉट अ, दिस इज टिपिकली एज पर पासिंग. शेयर बेस्ड पेमेंट्स, इक्विटी सेटल्ड हो सकते हैं, एम्प्लॉय रिसीव्स इक्विटी शेयर्स. अब ये टाइटल देखो, ये लिखते हैं शेयर बेस्ड, कैश सेटल्ड, मतलब एम्प्लॉय गेट्स कैश ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ अ शेयर. नॉर्मली ESOPs आर इक्विटी सेटल्ड. तो आपको पूछ सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट पेमेंट प्लान्स. दे कैन बी इक्विटी सेटल्ड, मतलब ऑप्शन के बदले में हम आपको शेयर्स देंगे. दे कैन बी कैश सेटल्ड. कैश सेटल्ड का मतलब आपको कैश मिलेगा, ऑप्शन के बदले आपको कैश मिलेगा. और देर कैन बी एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान विद कैश अल्टरनेटिव, विल गिव यू अल्टरनेटिव टू गेट कैश. तो नीचे लिखा है, दिस इज थियरी, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ पासिंग. और जो मैंने कोर प्रिंसिपल्स कल एक्सप्लेन किया था ना, वो यहां पर है. वैल्यू ऑफ ऑप्शन एग्जाम के लिए अपना डिफरेंस बिटवीन 135. वेस्टिंग कंडीशंस रहते हैं, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वेस्ट इमीजिएटली इन अ ईयर, सो रिकॉग्नाइज एक्सपेंसेस फुल्ली. West over 3 years, recognize expenses proportionately. So first you measure the value of option and you spread the cost. Then there is an exercise of option. Then there is a treatment of lapse of option. Option lapse ho gaye, jiski cost already puri ki puri record ho chuki thi. To aap kya karoge? Cost ko reverse karoge. Sara ka sara sikhaya maine. Recognition of expense sikhaya gaya, entry, exercise of option sikhaya gaya, reversal of recognize. देखो क्या लिखा मैंने, ट्रांसफर टू पीएनएल, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन, वेरिएशन इन वेस्टिंग पीरियड. अभी किया ना मैंने वेस्टिंग पीरियड 2 साल का, मैंने क्या किया था 3 साल किया था. टैक्सेशन जनरल नॉलेज के लिए लिखा है. अब देखो सुनो, जनरल नॉलेज के लिए इसका इनकम टैक्स वाला पॉइंट बोला ही नहीं मैंने. मैं एक एम्प्लॉयर हूं, एम्प्लॉय कम हियर, क्या बोले पूरा पूरा ठीक से आने का, इधर लाइट्स को इफेक्ट नहीं होना चाहिए. मैं एम्प्लॉयर हूं, ये कौन है, एम्प्लॉई है, अपना ओरिजिनल एम्प्लॉय वापस आ गया. ये एम्प्लॉय को मैंने आज ऑप्शन दिया, आज इसको ऑप्शन दिया टू परचेस शेयर्स, शुड इट बी टैक्स्ड इन हिज हैंड्स टुडे
नो, बनेगा कहां से टैक्स? कुछ कैश मिला ही नहीं, सिर्फ गाजर मिला है। किस चीज का? शेयर्स का, कि भाई इसको शेयर्स मिल सकते हैं, शेयर्स मिल सकते हैं, है ना? आज कुछ टैक्स नहीं होगा इसको, राइट? इमीडिएटली। बट प्रॉब्लम क्या है, आज अगर कुछ भी टैक्स नहीं करोगे तो इसको लमसम में टैक्स भरना पड़ेगा। कब? ये जब ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तब। क्यों? आज टैक्स करके भी गलत तो हो जाएगा ना, क्योंकि आज अगर उसको टैक्स कर ले इसके हाथ में और आगे जाके इसने ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं किए तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिफंड देगा टैक्स का? तो उससे अच्छा गवर्नमेंट बोलता है वी विल ट्रीट ऑप्शंस एज अ सैलरी इनकम अंडर द हेड ऑब्वियसली सैलरी एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, बट हाउ मच इज अ क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल बी टैक्स एज अ परक्विजिट, बट टू वॉट लेवल आई डिस्कस। हैव क्वेश्चन, हैव पेशेंस। एम्प्लॉयर ने ऑप्शन ग्रांट कर लिया, कंडीशन फुलफिल कर लिए, ऑप्शन के बदले में मैं अभी उसको क्या कर रहा हूं? शेयर्स दे रहा हूं। ये चॉकलेट ले, किटकैट नहीं मिलेगा, तो ऋषभ सर को दूंगा मैं। सो किटकैट डो बोलता है। ठरकी नहीं सपना जो है ना वो दिख के आता है। सो इसको मैंने ऑप्शन के बदले में क्या दिया? शेयर्स दिया। अब जब शेयर्स ऑप्शन दिया तो कुछ टैक्स होगा क्या? नहीं। जब शेयर्स दिया तो टैक्स होगा अंडर द हेड सैलरी। ये शेयर्स उसने बेच दिए। जा बेच क्या? शेयर्स बेच दिए तब इसके हाथ में कैपिटल गेन्स का टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिपेंड्स ऑन द होल्डिंग पीरियड। समझा क्या? नाउ क्वेश्चन इज हाउ मच विल बी ट्रीटेड एज इनकम अंडर द हेड सैलरी इज क्वेश्चन मार्क। हाउ मच विल बी ट्रीटेड अंडर द हेड कैपिटल गेन इज वेरी इजी। कैपिटल गेन विल बी सेल वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस, बेसिकली ही पेड दैट। आंसर इज नो, कैपिटल गेन भी आसान नहीं है। क्यों? इसने एक्सरसाइज प्राइस तो पे किया था बट इसने टैक्स भी भरा था ऑन सम नोशनल अमाउंट, दैट्स व्हाई इट इज ट्रिकी। लेट मी एक्सप्लेन। ने एक्सप्लेन किया नहीं किया? इधर किया, इधर देखो। क्या तू इधर लग? देखो, इसॉप्स फॉर्म पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी इनकम एंड टैक्सेबल एज अ परक्विजिट। द परक्विजिट वैल्यू इज कंप्यूटेड एज एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ओवर द एक्सरसाइज प्राइस। सो इट्स लाइक इंट्रिंसिक वैल्यू। ब्लैक एंड स्कोल्स नहीं फॉलो कर रहे इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ इज फॉलोइंग इंट्रिंसिक वैल्यू बट नॉट इंट्रिंसिक वैल्यू व्हेन ऑप्शन इज ग्रांटेड। इंट्रिंसिक वैल्यू व्हेन ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। सुनो, ऑब्जर्व केयरफुली, मैं कौन हूं? और इनकम टैक्स पेपर में क्वेश्चन आया तो मुझे थैंक यू बोलना बाद में। आया तो नहीं आएगा ना? गलती से मई 23 में आया ना, इतना मारेगा ना तुमको। नहीं आया कौन बोला इधर? पीयूष ना, मर गया तो। ये कौन है? एम्प्लॉय। आज मैं उसको ऑप्शन ग्रांट कर रहा हूं। दिस इज ग्रांट ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन ग्रांट किया। आज शेयर की प्राइस चल रही है 170, ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है 80। टुडे इंट्रिंसिक वैल्यू इज 90। टुडे वी डू नथिंग। व्हाई? आज कैश फ्लो कुछ हुआ ही नहीं यार, ना कोई असेट ट्रांसफर। इट जस्ट एन इमेजिनरी ऑप्शन ऑन अ पेपर। आज कुछ टैक्स होगा क्या? नहीं। 2 साल हो गए, कंडीशंस फुलफिल हो गई। स्ट्राइक प्राइस कितना था ऑप्शन का? 80। 80 वाज अ स्ट्राइक प्राइस। जब मैंने ऑप्शन दिया था तब शेयर की प्राइस क्या थी? भाड़ में जाए। उसका कोई इनकम टैक्स के लिए, अपना अकाउंटिंग के लिए अपना आईसीए तो अलग ही करता है।
वो तो अलग नशा है उनका। जनरलिज्म नहीं था वो। आईसीआई वॉज डेबिटिंग पी एंड एल बाई 170 माइनस 80, विच इज अलाउड अंडर गाइडेंस, बट दैट इज नॉट वॉट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज टू कैलकुलेट। ओके, देर आर सम कंपनीज हू डू इट लाइक द आईसीआई वे ऑल्सो, मतलब आई शुड नॉट ब्लेम दिन शुड ओनली। देर आर सम कंपनीज हू फॉलो दैट इंट्रिंसिक वैल्यू बिकॉज इट इज ईजी, बट आई थिंक ब्लैक एंड स्कोल्स इज नॉट डिफिकल्ट। क्या मुश्किल था तुमको भी ब्लैक एंड स्कोल समझा ना? अब तुमको समझा एटलीस्ट कैलकुलेशन, लॉजिक छोड़ दो, कैलकुलेशन तो समझे कि नहीं ब्लैक एंड स्कोल्स की तुमको? अब वो ब्लैक एंड स्कोल्स के कैलकुलेशन तुमको समझे तो करियर लाइफ के चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं समझेंगे? शेयर दिया था तब कितने में था? 170। स्ट्राइक प्राइस कितनी है? 80। तो 90 रुपीज विल नॉट बी टैक्स्ड। ये शेयर क्या हो गया? 2 साल ऑप्शन 2 साल के बाद एक्सरसाइज हो गया, उसके बदले में मैंने उसको ये क्या दिया है? शेयर। ये क्या था? ऑप्शन। शेयर दे दिया तब शेयर की कीमत है, उस टाइम पे जब एक्सरसाइज किया तब कीमत है 250। 200 एंड इज व्हाट प्राइस ऑफ शेयर, प्राइस ऑफ शेयर, बट ही इज गेटिंग इट एट 80 ओनली। Why? That's a strike price. 250 का शेयर उसको 80 में मिल रहा है तो उसके हाथ में कितना टैक्स होगा? ओके, मैं पर्पसली प्राइस कम करता हूं, 220 करता हूं शेयर का प्राइस, बिकॉज नंबर सेम आएगा। 220 इज अ प्राइस ऑफ शेयर ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज माइनस 80। वही तो मैंने उर्दू में लिखा इधर, 220 विच इज अ प्राइस ऑफ अ शेयर माइनस स्ट्राइक प्राइस 100 एंड विल बी ट्रीटेड एज सेक्शन 17(3) परक्विजिट। आपके टैक्स में रहेगा ये पक्का। आगे जाके इसने ये शेयर बेचा, बेचने इसने शेयर बेचा 220 वाला 290 में। दो सौ बीस वाला शेयर 290 में बेचा। बच्चों ये 70 जो है वो कैपिटल गेन में जाएगा। इट इज लाइक एज इफ ही हैज सी ऑलरेडी 80 to 220 उसने टैक्स भरा है। कौन से हेड के अंदर? सैलरी के अंदर। ये कैपिटल गेन में जाएगा, लेकिन सैलरी का जो टैक्सेशन होगा इट कुड बी वेरी हेवी, इट विल बी एट अ नॉर्मल रेट। ये जो 220 से 290, इट कुड गो टू 112A, कुड गो टू 111, कुड गो टू द प्रोविजन ऑफ 111, कुड क्लेम एग्जम्पशन तो नहीं है इसके लिए कुछ अवेलेबल, आई डोंट नो एनी एग्जम्पशन विच इज अवेलेबल। यू कैन क्लेम इंडेक्सेशन अंडर 49 और 55 एज द केस में भी, 55(2) के अंदर इंडेक्सेशन क्लेम कर सकता है इसको। इंडेक्सेशन क्लेम करने के बाद तेरे को 112 एक ऑप्शन रहेगा। जा LTCG के लिए आपके पास ऑप्शन रहेगा, इट कुड बी इधर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग ऑन द होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड विल बी काउंटेड फ्रॉम विच डेट? डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ अ ऑप्शन। सो यही तो लिखा है मैंने उर्दू में, द परक्विजिट वैल्यू इज कंप्यूटेड एज एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन द डेट ऑफ द एक्सरसाइज ओवर द एक्सरसाइज प्राइस। शेयर की कीमत कितनी थी? शेयर की कीमत कितनी थी माइनस व्हाट एक्सरसाइज? देर इज नो देर आर स्पेसिफिक वैल्यूएशन रूल्स, वो छोड़ दो अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, वो बाकी जरूरत नहीं है। रियल लाइफ का डिस्क्लोजर प्राच का किसी को पढ़ना है पढ़ सकते हो, एग्जाम ओरिएंटेड। तो आपका आपको करना क्या है? पूरा का पूरा चैप्टर आपने गो थ्रू करना चाहिए। अब हमने 2 questions किए थे यहां से, अब मैं 2-3 questions और एक्सप्लेन कर रहा हूं। एंट्रीज हैं, होमवर्क है बाकी भाई, बट लेट मी एक्सप्लेन सम क्वेश्चंस एंड देन आई विल गिव यू होमवर्क्स। Question 1 आई डू नॉट वॉन्ट टू एक्सप्लेन होमवर्क। 2 done, 3 done, 4
I do not want to explain homework. Phi, I wanna explain. Homework ही obviously. कुछ भी मुश्किल नहीं है. तुम सिर्फ मुझे क्या चाहिए, आज के आज होमवर्क करके सोने गए उसके बिना. होमवर्क मतलब क्या, पहले क्या करोगे आप, ब्रीफली नोटबुक से रिवाइज करो, आईसीआई के मॉड्यूल से क्या करो, जितने भी उनके इलस्ट्रेशन है उनका ऑडिट करो. सॉल्व नहीं किया तो भी चलता है, ऑडिट कर लो. उतना कैपेबिलिटी है तुम में. खुद को डम्ब अज्यूम मत करना. मेजॉरिटी लोग खुद को डम्ब अज्यूम करते हैं क्योंकि तुमको ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि तुमको कुछ आता ही नहीं ऐसा. और बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को कुछ आता ही नहीं. अरे तुम में कैपेबिलिटी है, यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट लोगों को विलिंगनेस ही नहीं है समझने का. लेट मी ग्रास समथिंग डिफरेंट, नहीं, विलिंगनेस ही नहीं है. ऑन 1st April company offered 100 shares to each of the 400 employees at the rate of 25. Employees are given a month to accept a share. मतलब directly vesting हो गया. जो option दे दिया वो directly vested ही निकले. These shares are issued. So everything is in 1 year only. Yeah? These shares are... Oh, if everything is in 1 year, then directly record the cost with reference to options ultimately exercise. Wasted बोल रहा था. अगर सब कुछ ग्रांट वेस्टिंग एंड एक्सरसाइज सब कुछ एक साल में हुआ है तो मुझे मालूम है ना मेरा एग्जैक्ट कॉस्ट कितना है. आई डोंट नीड अ एस्टिमेट. एस्टिमेट की जरूरत कब लगती है, जब ईयर एंड पे मुझे मालूम नहीं मेरा कॉस्ट कितना है. मेरा कॉस्ट अगले साल में क्रिस्टलाइज होने वाला है. दीज शेयर्स इश्यूड अंडर द प्लान शैल बी सब्जेक्ट टू लॉक इन फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट. लॉक इन पीरियड अपने को रिलेवेंट होता है क्या, नहीं. लेकिन मैंने क्या बोला, लॉक इन की वजह से शेयर का प्राइस कम हो जाता है. अभी एक क्वेश्चन भी किया था हमने. अब बोले क्यों कम हो जाता है, एम्प्लॉय के पास लिक्विडिटी नहीं रहती ना. क्या लिक्विडिटी नहीं रहती, कि उसको अगर वो बेचने का है तो बेच सकता है क्या, नहीं. तो आगे लिखा है, देखो क्या लिखा है, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी ऑन द ग्रांट डेट इज 30. ग्रांट डेट में शेयर का प्राइस 30 है, एक्सरसाइज प्राइस 25, तो कंपनी की कॉस्ट हो गई 5. बट आगे कुछ लिखा है, ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शंस फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 28. मतलब 30 नहीं लेने का 28 लेने का. ये अभी एग्जाम का क्वेश्चन यही था. तो व्हाट इज द कॉस्ट टू द कंपनी, 28 माइनस 25 3 rupees. ब्लैक एंड स्कोल्स बाढ़ में जाए ऐसा करने का. 28 माइनस 25 अप टू 30 April, 50% एम्प्लॉइज एक्सेप्टेड द ऑफर एंड पेड 25. नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज सो एंड सो अकॉर्ड द एंट्री. मतलब 50% क्या हो गया, एक्सरसाइज हो गया. रिमेनिंग 50% लैप्स. विल यू पास एंट्री फॉर एक्सरसाइज फर्स्ट, नो, डायरेक्टली एक्सरसाइज का एंट्री पास करो. ओके, यू शुड नॉट रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस. कितने ऑप्शंस दिए तुमने, 100 × 400, 400 × 100 बोलो 40,000. 40,000 क्या रे ऑप्शंस ग्रांटेड, समझा गया रे. एंट्री कितने ऑप्शंस, कितने का करोगे तुम, कितने का करोगे, 20,000 का एंट्री करोगे. 20,000 का पहले कॉस्ट बुक करो, हिसाब आउटस्टैंडिंग दिखाओ, फिर क्या करो, एक्सरसाइज की एंट्री करो, नरेशन लिखो, वर्किंग नीचे दिखाओ. क्या वर्किंग, 400 × 100 इज इक्वल टू 40,000. 40,000 × 50% 20,000 दिखाना पड़ता है वर्किंग. आई नो यू कैन डू इट ऑन कैलकुलेटर. 4 mark का क्वेश्चन आया था. होमवर्क P8 आफ्टर बायबैक चैप्टर. ये मिक्स चैप्टर है, इसमें बायबैक का भी क्वेश्चन है. दिस इज नॉट डन. आफ्टर बायबैक अगला चैप्टर बायबैक आएगा, मस्ट चैप्टर है. P9 होमवर्क. अरे एक एक 5 मिनट के होमवर्क है. P10 होमवर्क. अब तुमको सिर्फ रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चंस दिखाता हूं तुमको लेवल. तुमको लग रहा है कि मैं सिर्फ इजी इजी क्वेश्चन करता है ना. देखो देखो जरा, सिर्फ पढ़ते हैं हम, सॉल्व नहीं कर रहे. ओके, इनके आंसर्स आपको आपके ऐप पे आ जाएंगे जब आपको लेक्चर्स आ जाएंगे ना ग्रुप टू के. वहां पर ग्रुप टू ऐड हो जाएगा, ऐप के अंदर आपको दिखेगा. सुविधि लिमिटेड ऑफर्ड 50 शेयर्स टू ईच ऑफ द 1500 एम्प्लॉइज. ऑप्शन विल बी एक्सरसाइजेबल विद इन द ईयर. शेयर्स इश्यूड अंडर प्लान आर सब्जेक्ट टू लॉक इन.
for 3 years, the market price was so and so, but due to post vesting restriction, the value of the share is 38 per share. On 3rd March, so and so employees have. अभी जो होमवर्क दिया एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली सेम उस टाइम पे आया था कितने मार्क को पांच चार को आया था अब इधर पांच को आया नेक्स्ट लकी लिमिटेड ग्रांट्स 100 ऑप्शंस टू 1500 एम्प्लॉइज डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉइज एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑप्शंस एक्सरसाइजेबल विद इन द ईयर द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 70 ऑप्शंस विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इफ अर्निंग ऑफ लकी इज 15% एट द एंड ऑफ द ईयर टू इफ एवरेज अर्निंग इज 13% 10% सो एंड सो सो एंड सो सेम एज वॉट पी थ्री कितने मार्क को आया 10 वही तो बोल रहा हूं एग्जाम पास होना बहुत आसान है जॉब मिलना आसान नहीं अच्छा वाला कल मैंने आपको इकोनॉमिक टाइम्स का एक रिपोर्ट भेजा था दुनिया क्या चाहती है स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है तुम जो लोग रट्टा मार के पढ़ रहे इधर उधर अच्छे क्लासेस भी अच्छे लोग भी सिखाते आई नो लॉट ऑफ गुड टीचर्स ऑल्सो बट मेजॉरिटी Just are making the students rotten up without any skills, without any value system in place, without any mindset, and the students are not understanding, they'll suffer. First of all, they'll not pass. ICI utna to ensure karta hai ki pass hone wala jo log hai, usme se decent logo mein quality rehta hai, decent percentage. Kyunki final bhi aa gaya, aur tumko final malum nahi hai. Final pura, final mein kya hai na, institute pura ka pura practical karta hai. By the time you will be go to final, virtually every paper will become an open book. That is what our institute has said, at least now. And that new syllabus, they are going to make a papers open book. It is not easy. Open book, right now there is only one paper which is open book. Institute is planning to make more papers open book. It is not too easy. It is basically to ensure that only people who have that particular requisite brain should pass. There gonna be questions. Ek bhi question mein quality nahi yaar. B limited share capital divided into shares of 10 each. Company offered 250 shares to 520 employees. Market price was 150. Options can be exercised from so and so. Employees offered and accepted so and so. Everything happened in 1 year. Ek mahine mein hua. Ek March se leke 2018. Pass the entries. नेक्स्ट 10 मार्क को दो 10 नहीं ये पांच को होना चाहिए 6 भी है तो पांच को होना चाहिए दैट शुड बी प्रिंटिंग मिस्टेक कौन सा ईयर था ये मे 19 हाँ इंडेक्स में पांच ही लिखा है एक्सेल शीट में पांच ही लिखा है ठीक है Next, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर इज एस्टिमेटेड टू बी 67 अभी होमवर्क दिए तुमको सन लिमिटेड हैज 100 स्टॉक ऑप्शंस टू 1200 एम्प्लॉइज 30 डिपेंडिंग ऑन द वेस्टिंग पीरियड ऑफ द ऑप्शन ऑप्शन विल बी एक्सरसाइजेबल अरे वही बोल रहा हूं सन लिमिटेड लकी लिमिटेड इधर ही उधर ही राजा लिमिटेड डिवाइडेड देखो ना इट ग्रांटेड ऑप्शंस एम्प्लॉय एक्सरसाइज ऑप्शंस ये सेम है इधर Q3 के जैसा है पूरा का पूरा सेम है 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक एक्सरसाइज कर सकते हो हाँ ये अच्छा वाला है Q7 इज गुड वन लव इट Q7 गुड एट द एंड ऑफ द ईयर वन हार्मनी लिमिटेड ग्रांट्स 600 ऑप्शंस टू ईच ऑफ हाउ मेनी एम्प्लॉइज 1000 एम्प्लॉइज कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ ऑफ द ऑप्शन इज 6 years अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वेस्टिंग पीरियड एक्सरसाइज पीरियड टोटल इज 6 इट टू मच एक्सरसाइज है लाइफ 5 years अब बोलेंगे मतलब You are expecting vesting to be 3 and exercise to be 2 only. Exercise price 100, market price 100. अब बोलेंगे हाँ मतलब option की cost ही नहीं है. Black and Scholes से निकालेंगे ना? Options granted vest according to a graded schedule of 25% at the end of the year 1, 25% at the end of the year 2 and remaining 50% at the end of the year 3 ओ सारे के सारे ऑप्शंस का वेस्टिंग पीरियड सेम नहीं है सम ऑप्शंस हैव 1 year सम ऑप्शंस हैव 2 years सम ऑप्शंस हैव 3 years इट्स ओके यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस फॉर द ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट एंड कॉस्ट द क्यूमुलेटिव कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट द एंड ऑफ द ऑल द 3 years अज्यूमिंग एक्सपेक्टेड फॉर फ्यूचर रेट
डज नॉट चेंज एक्सपेक्टेड फॉरफीचर रेट, मतलब लैप्स एवरी ईयर 3% ऑप्शंस विल लैप्स ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड व्हेन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज 7। गुड क्वेश्चन। अब बोले ये 7 कहां से है? ब्लैक स्कोल्स। सी तुमने शेयर जब, इसलिए घटिया नॉलेज का जरूरत नहीं, इसलिए अच्छा नॉलेज चाहिए। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 100। शेयर की प्राइस भी उस दिन 100 थी। अब ले ऑप्शन की वैल्यू कैसे? अरे गधे, मैंने आज तेरे को ऑप्शन ग्रांट किया तो आज शेयर 100 का है, तेरे को एक्सरसाइज तो बाद में करना है ना। जब तू एक्सरसाइज करेगा तब शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हाँ ना? तो बोलो कंपनी की कॉस्ट कितनी है? 7 रुपया। एक ऑप्शन की कॉस्ट 7 है, लेकिन ऑप्शंस का क्या है? वेस्टिंग पीरियड अलग अलग, जर्नल एंट्री नहीं पूछा आपको, सिर्फ कैलकुलेशन पूछा है। ऑप्शंस ग्रेडेड शेड्यूल है, ग्रेडेड मतलब इन फेजेस। याद होगा प्राच इंडस्ट्री में 1 to 6 years, 1 to 5, अलग अलग। कैन द पीरियड बी डिफरेंट? यस, 25% एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 25% एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड रिमेनिंग 50% इज गोना एक्सरसाइज वेस्ट एट द एंड ऑफ व्हाट? थर्ड ईयर। कितने ऑप्शंस दिए तुमने? 1000 into 600, ईच लिखा है ना? बोलो 6 लाख रुपीज नहीं है, 6 लाख ऑप्शंस है। अब दिक्कत क्या है? देयर इज एक्सपेक्टेड फॉरफीचर रेट। नाउ इट इज नॉट अ फॉरफीचर, इट शुड बी लैप्स। एवरी ईयर हाउ मच इज गोना लैप्स? 3%। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यहां पर एम्बिग्यूटी की है। क्या एम्बिग्यूटी मालूम है? ये 25% विल बी वेस्टिंग एट द एंड। सी फर्स्ट ईयर के एंड में कितने रहेंगे? 6 लाख का 3% माइनस करो, 5 लाख माइनस 3%। सेकेंड ईयर के एंड में कितने रहेंगे? अगर 564 माइनस 3%, 547। अब दिक्कत क्या है मालूम है? ये 6 लाख अगर ऐसे कंटिन्यू हुए तो दिक्कत ये है, अंडरस्टैंड, 25% आर गोना बी वेस्टेड आफ्टर विच ईयर? फर्स्ट ईयर। 25% ऑफ व्हाट? 25% ऑफ 6 लाख और 25% ऑफ 5,82,000? आई डोंट नो। और नहीं, वेस्टिंग किया तो एक्सरसाइज कब होगा? एक्सरसाइज वहां से आगे 3 साल तक हो सकता है, एक्सरसाइज में भी लैप्स हो सकता है। अब वो जो फॉरफीचर रेट दिया है, इज इट अ लैप्स रेट है? वो लैप्स रेट सिर्फ वेस्टिंग पीरियड का है या एक्सरसाइज पीरियड का भी है? कुछ भी नहीं लिखा है क्वेश्चन में। लैप्स रेट कैन ऑप्शंस लैप्स इवन आफ्टर वेस्टिंग? यस, व्हाई कांट ऑप्शंस लैप्स आफ्टर? क्वेश्चन में दो एम्बिग्यूटीज है, लैप्स रेट का क्लैरिटी नहीं है। दूसरा चीज, ये जो 25% वेस्ट हो गया, 25 इधर वेस्ट हो गया, 50 इधर वेस्ट हो गया, वो एक्सरसाइज कब हुआ? हेलो बिजनेस, उसके बाद वेस्ट होने के बाद लैप्स हो गए क्या? पता ही नहीं मुझे, पर ससुरा पूछ कह रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस फॉर ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट। एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, अगर ये 3-3% ऐसा ईयरली चलता रहा तो इतने होगा, लेकिन कब तक करूं मैं 3-3%? एक्सपेक्टेड लाइफ ऊपर लिखा है 5 साल, कुछ भी मैचिंग नहीं हो रहा क्वेश्चन में। वेस्टिंग पीरियड 3 है, एक्सरसाइज उसके आगे 3 है, 6। अगर वो वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर्स है तो नीचे अलग अलग वेस्टिंग पीरियड लिखा है, ऊपर वेस्टिंग पीरियड लिखा 3, 3 मतलब मैक्सिमम। एक चीज मुझे सिर्फ मालूम है, कॉस्ट इज 7 रुपीज पर ऑप्शन, एंड दैट 7 रुपीज आई नीड टू स्प्रेड ओवर व्हाट? लिखा उसको, क्वेश्चन टू बी रिमेंबर्ड, क्वेश्चन टू बी रिमेंबर्ड। हम सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते अभी। व्हाट इज आस्क्ड बाय द इंस्टीट्यूट यू विल कम टू नो ओनली व्हेन यू गो थ्रू सॉल्यूशन।
You cannot go, understand this without a without solution आप समझ नहीं सकते इसको, समझा कह रहे? कौन सा एग्जाम था ये? जली 21, तो लुक एट इट, नहीं यू कैन डू नथिंग. अभी क्या करेंगे मालूम है? आई से विल सॉल्व इट बाय इग्नोरिंग सम थिंग्स गिवन इन द क्वेश्चन. अब क्या इग्नोर करेंगे वो आंसर देखने के बाद मुझे पता चलेगा. कुछ तो इग्नोर होगा फॉर श्योर, क्या होगा ये बोलना मुश्किल है. सजेस्टेड आंसर्स किधर है? एग्जाम कौन सा है? जुली 21, क्वेश्चन 6D. देखो, अरे 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 बहुत अलग अलग आंसर लिखे. अल्टरनेटिवली राउंडिंग ऑफ का लिखा है. सिंस द ऑप्शंस हैव ग्रेडेड वेस्टिंग शेड्यूल द एंटरप्राइज सेग्रीगेट्स अ टोटल प्लान इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स. तो उन्होंने पहले ही 6 लाख को ही स्प्लिट कर दिया, 6 लाख में से 25% उनका लाइफ 1 ईयर ही है. मतलब उन्होंने अजम्पशन किया है वो लैप्स रेट जो है ना वो सिर्फ वेस्टिंग पीरियड का है, उसके आगे लैप्स होगा ही नहीं. हो गया खत्म, फिर तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं. उन्होंने क्या किया है? अजम्पशन ये किया है कि लैप्स रेट जो दिया है एक्सपेक्टेड फॉरफीचर पर ईयर दिस इज ओनली ड्यूरिंग वेस्टिंग. एक बार वेस्टिंग हो गया तो लैप्स होगा ही नहीं. तो लिखो, हम सॉल्व करते हैं, हम अपने हिसाब से प्रेजेंट करते हैं. लिखो अवर बिलेवर और बिलो नहीं, अजम्पशन अज्यूमिंग दैट ऑप्शंस लैप्स assuming that options lapse only during vesting period we get following solution. Options lapse only during vesting period. We get following solution. चलो solution अभी दे सकते हैं आराम से. अपने पास basically 3 अलग-अलग options है. कुछ option 1 साल का vesting है, कुछ option का 2 साल है, कुछ option का 3 साल है. आना, are you clear? तो हर एक ऑप्शन का कॉस्ट जो है ना वो अलग अलग ईयर में जाएगा. ऑब्जर्व मैं क्या कर रहा हूं, देखो पर्टिकुलर्स टाइप ए ऑप्शंस टाइप बी ऑप्शंस. मेरा प्रेजेंटेशन बहुत ही क्लियर है. टाइप सी एंड टोटल वाला कॉलम चाहिए मुझे. टोटल बच्चों वेस्टिंग पीरियड हर एक का क्या है? अलग अलग है. वो क्वेश्चन में एक्सरसाइज पीरियड भाड़ में, वो तो ऐसे भी भाड़ में जाए, उसमें लैप्स होने वाला नहीं अपने क्वेश्चन में. एक्सपेक्टेड लाइफ तेल लगाने जाए. बोलो इधर कितने ऑप्शंस है? टोटल 6 लाख है ना रे, 25% मतलब 1.50 रुपीज नहीं है वेस्ट. अरे सॉरी सॉरी, ठीक है नंबर ऑफ ऑप्शंस लिखो, नंबर ऑफ ऑप्शन ठीक है ना, चेंज कर. नहीं तो मैं वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर 2 ईयर्स एंड व्हाट 3 ईयर्स. समझा गया रे बच्चे? समझा गया रे? अब क्या करेंगे हम? ऑप्शन की कॉस्ट बच्चों, ऑप्शन की कॉस्ट स्प्रेड करेंगे ओवर व्हाट वेस्टिंग पीरियड. बट उसके पहले नंबर ऑफ ऑप्शंस लाइकली टू वेस्ट, 1.50 वेस्ट नहीं होगा, 97%. क्यों 97% रे?
3% फॉरफीचर रेट है एक साल का ही। इधर क्या करूंगा मैं, इधर भी 1.50 लेने वाला हूं लेकिन 97% दो बार मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब -3% कर रहा हूं। 97 मल्टीप्लाई करना मतलब 3% दो बार माइनस करना, उतना मैथ्स आना चाहिए तुमको। इधर 3 लाख को हम क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ बच्चों बोलो, पहले वाले केस में कितना था रे, 1,45,000। दूसरे वाले केस में 141 ना। थर्ड केस 136,900 है ना, 2,73,000। बेशरम मल्टीप्लाई नहीं करना। अच्छा 1 लाख वो भी गलत है क्या, ये भी गलत है? कौन सा गलत है, ये बोल रहे गलत है, कौन सा गलत है मैडम? अरे यहां पे 2 साल का ही करना है, वेस्टिंग यार, यार लोग है यार, इनको मैथमेटिकल बेसिक कैलकुलेशन पप्पा ने कैलकुलेटर लेके दिया तभी भी नहीं आता। अरे 1,50,000 पे किया थर्ड कॉलम में ना, नंबर ऑफ ऑप्शंस अलग अलग है यार। नाउ कॉस्ट पर ऑप्शन बोलो 777, वो लिखने का नहीं, टोटल कॉस्ट। टाइप ए ऑप्शंस का टोटल कॉस्ट कितना है, 10,18,000। टाइप बी ऑप्शंस का कॉस्ट कितना है, 987। टाइप सी ऑप्शन का कॉस्ट क्या है, 19,00,000। नाइनटीन लाख सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स वन फोर। What is it? Total cost. समझा कह रहे? Now ये cost को हम क्या करेंगे? Spread करेंगे। अब जो type A के option है, उसकी cost सिर्फ first year में जाएगी। क्यों सिर्फ first year में जाएगी? उनका life ही 1 year का है। Debit to P&L. Year one. ओ, अपने को पहले से forfeiture rate expected दिया था उन्होंने? ईयर वन में कितना जाएगा इसका, 10,18,500 जाएगा। ईयर टू में कितना जाएगा इसका, जीरो। ऑप्शन ए का कर रहा हूं मैं। ईयर थ्री में भी कितना जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन ए जो है, टाइप ए जो है, पूरा का पूरा कॉस्ट कौन सी ईयर में गया, फर्स्ट ईयर में। अब क्या करेंगे, ऑप्शन टाइप बी के ऑप्शन देखो, देखा नहीं कैलकुलेटर, 9,87,945। What is that 987,945 टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है ना, उसको कितने साल पे स्प्रेड करोगे, 2 साल पे, डिवाइड बाय 2 करो, 4,93,000। हाँ खत्म हो गया। आगे बोलो ना, इसको 3 साल में स्प्रेड करो, 19,16,614 डिवाइड बाय 3 इक्वली करो, 6,00,000। कॉपी करो, हाँ अभी उनको ईयर बाय ईयर भी टोटल चाहिए। अब बोलेंगे कहां पे लाएगा ईयर बाय ईयर टोटल, राइट हैंड साइड कॉलम है ना, ये तो दिमाग लगाने का नहीं। 90 अल्टीमेटली क्या होता है, ईयर बाय ईयर अमाउंट अलग आता है, इन तीनों को टोटल इधर आएगा। Do you understand year by year? I can't hear. Total लेते बेटर ना तुम, चलो टोटल आईसीए का टोटल बोलता तुमको। उनका प्रेजेंटेशन अलग है,
First year 21,51,343 approximately. Second year 11,32,843. Third year 6,38,872. Cumulative 39,23,059. है ना. Now सबसे important ये वाला चीज, इंडेक्स किधर गया इसका फाइल? विकास क्या माती खाता है यार, फाइल अलग अलग बनाता है इंडेक्स के. इंडेक्स का फाइल क्या उसने अलग बनाया क्या? हाँ हर इंडेक्स का फाइल अलग बनाए. नाउ इन द प्रिंटेड फाइल देयर इज इंडेक्स, उसका सॉफ्ट फाइल मेरे पास नहीं है, कुछ तो दिमाग लगाया. तो व्हाट यू शुड डू, वहां पर एक इंडेक्स है आपको मिलेगा. सो इन इंडेक्स यू मस्ट मार्क लाइक दिस. There is an index given to you. Now index के अंदर आपने क्या करना चाहिए बच्चों? Marking करना चाहिए कौन से questions अच्छे थे. So questions to be covered for revision. What you must cover? Q7 अच्छा था, पुणे series में से यहां में से P2 अच्छा था, P3 अच्छा था, और एक मैंने homework को दिया था. कौन सा homework को दिया था मैंने? ये P5, वो भी अच्छा था मेरे हिसाब से. होमवर्क को जो दिया था ना उसमें से अच्छा वाला P5 भी है अच्छा सा, और जो आगे आएगा ये P8 इसको भी मार्क करके रखो. अभी सॉल्व नहीं कर रहे सिर्फ उसको. और मेरे हिसाब से क्यू में इधर एक ऐड करो. कौन सा था वो? नवंबर 22 का अच्छा था. मई 22 वाज ओके ओके. नवंबर 22 क्वेश्चन 6 थी था ना, वो आगे सिर्फ बुक के एंड में दिया है मेरे हिसाब से. नवंबर 22 का ये वाला क्वेश्चन था 6A B एंड लास्ट पेज पे है मेरे हिसाब से. हाँ दिस वन राइट. तो अब आपने इतना मार्किंग कर लिया, दैट शुड बी मोर देन इनफ है. और आपको इससे इसके बाद भी आईसीए के मॉड्यूल में से कुछ अच्छा मिला आपको लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. लाइक ये हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, यू शुड मेक योर ओन समरी नोट्स आज रात को उसके पहले. एंड डू नॉट वेस्ट, सी व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस डोंट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम. यू शुड बी वेरी शॉर्ट क्रिस्प, तभी जाके आपका प्रेशर कम होगा. क्योंकि आपको साइमल्टेनियसली EISSM जो चल रहा है उसको खत्म करो, ऑडिट जो चल रहा है उसको खत्म करो, ग्रुप वन का जो बैकलॉग है, ग्रुप वन का बैकलॉग है तो वो खत्म करो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन से कुछ वो क्वेश्चन खत्म करो. मैं आपको ऐप पर डालता हूं, कोई तो दूसरे बैच में गए हो. So, वो खत्म करो. रिविजन शेड्यूल में बताऊंगा, जब मुझे टाइम होगा तब बताऊंगा. सो इट विल बी एज पर माई कन्वीनियंस नॉट योर कन्वीनियंस. सो आप प्लान करो ना उसके हिसाब से आराम से. कल संडे है, लेक्चर्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम पास करना है. हाँ यू कैन वेक अप लेट्स से 15-20 मिनट्स लेट, दैट्स ओके, दैट मच इज ओके. बट यू शुड फिनिश इट ऑफ प्रॉपरली. सी यू ऑन मंडे. 15 minutes break. Advance account will be having till 4:30 and FM 4:45. 2 o'clock, I want everyone to be seated. I'll be closing the doors from